जी प्रेस वाले भाई लोग, अभी आपका इंटरव्यू, आप जो इंटरव्यू लेना चाहते हो ना जी जी, वो मिल जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर में अपने प्रोफेसर साहब है जी, उसका नाम है शमसुद्दीन शमसी, शमसुद्दीन शमसी, वो अभी आने वाले हैं जी, तो उससे इंटरव्यू ले लेना आप। अच्छी बात, समझिए ना। प्रोड्यूसर साहब एक बात मुझे बताइए आप। हाँ, बोलो। जो आशिकों को बुला रहे हैं आप, आपने भी कभी इश्क इश्क किया? किससे? तेरी माँ से। सर ये कौन है? ये हाँ, ये हमारे प्रोफेसर साहब है ना, शमसुद्दीन शमसी जी, उसके सेक्रेटरी है। ये कल डॉक्टर के साहब के पास बैठे हुए थे। क्या बोलता है? डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे, कह रहे थे मेरे कमर में दर्द हो रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब पता क्या बोले? कहते हैं जहाँ से तू शुरू होता है वहां तो कमर खत्म हो जाती है भाई। आप ऐसी बातें नहीं करो भाई, हमारे तारुफ तो क्राइम से। अरे भाई इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर, इन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए जो आज तक किसी ने नहीं दिए। इधर आना, आप प्रेस वाले नहीं हो? नहीं, तो, मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर तो इधर काय को मारा है तू? आपके प्रोफेसर से मुकाबले के लिए आया हूँ। अच्छा, उससे मुकाबला करेगा जी, तो साइड में खड़ा हो जा। देखो हाँ भाई, ऐसे करो, आप जो ये कन्वेंशन बुला रहे हैं ना आशिकों का, तो इसमें मुझे भी शामिल कर लो। तो तेरे लिए लड़का ढूंढू या लड़की ढूंढू? ना मेरे लिए लड़का ढूंढो ना लड़की, बस मेरी उनसे शादी करा दो ना अल्लाह। उनसे? किन से? प्रोफेसर साहब से। चले उधर जा अपनी जगह पे। जा रही हूँ, जल्दी बुलाना उनको। देखो अभी प्रोफेसर आने वाले हैं, उनसे बाकी सवाल उससे करना। जी जी, अभी प्रोफेसर देखो, लेकिन प्रोफेसर आवे ने तो उसकी इज्जत में खड़े हो जाना। हो चलो इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ इधर, चलो साइड में खड़े हो जाओ। अरे चले खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, शमसुर रहमान शमसी, साइंस का प्रोफेसर। अबे यार ये हर आधे घंटे के बाद छोटा हो जाता है भाई। कौन है ये? आपका सेक्रेटरी है। ओहो सेक्रेटरी, पौवे का भाई अद्धा। अच्छा अच्छा, प्रोफेसर साहब क्या नाम? शमसू भाई शमसी, शमसू शमशू, नुक्ते लगा ले कंजूस की औलाद। शमशू शमशू शमसू नहीं, शमसू शमशू शमसू। अच्छा कहा कहा आगे शमसू? कौन आए ये लोग? कौन है? प्रोफेसर अखबारी नुमाइन, ये प्रेस वाले आए। प्रेस वाले? हाँ। क्यों स्त्री करने आए क्या? ऐसा जाहिल प्रोफेसर है, ये प्रेस वाले आपकी रिपोर्टिंग करने आए। अच्छा अखबारी रिपोर्टर है? हाँ रिपोर्टर है। ओहो ये लोग अखबारी रिपोर्टर, ये छोटे से रिसाले का रिपोर्टर। क्यों आए, क्या बात है बताओ मुझे। प्रोफेसर साहब आप जो रूहों को दुनिया में बुला रहे हैं, तो ये ख्याल आपको क्यों आया? मैं उन इंटरनेशनल लवर्स को, उन आशिकों को जी, जिन्होंने उस दौर में प्यार किया, मोहब्बत की और अपनी लाजवाब मोहब्बत की कहानी लिख दी, मैं उनको उस दौर से नफरतों के इस दौर में बुलाना चाहता हूं। मैं यहां के भाइयों को दोस्तों को दिखाना चाहता हूं कि देखो मोहब्बत करो तो ऐसी करो। मैं नफरतों के इस दौर में उनको बुलाकर उनकी शादियां करवाऊंगा। वाह। क्योंकि उन्होंने आपस में मोहब्बतें की जी जी, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो सकी थी। मैं लैला मजनू, श्री फरहाद, कुलोपुत्र एंथोनी, शहल सलीम और अनारकली, इन सबको बुलाना चाहता हूं ताकि वो यहां आए और यहां मैं आशिकों की ईद मनाऊं और उनकी शादी करूं। सवाल बाद में होएगा, सवाल बाद में होएगा। पहले एक आदमी आया उससे मिल लो। आदमी? ए भाई इधर आओ, लाओ भाई। क्या आदमी आया? तुम तो कह रहे हो आदमी है। भाई मैं हूँ आदमी, प्यारी प्रोफेसर।
प्रोफेसर जी तोते ना चाहते हो क्या? काहे के प्रोफेसर हो भाई? अरे नहीं भाई, ये आपसे मुकाबला करने आया है। जी, आपकी टक्कर पर आया हूँ। मेरी छोड़ दे, मेरी टक्कर पे नहीं, टक्कर मार के नक्सीर फोड़ दूंगा तेरी। छोड़ दे, मर जाएगा। क्या करता है? टक्कर पे आई है। अरे कौन सी टक्कर समझता है तू? झगड़े वाली? अरे नहीं, ये मुकाबला करने आया प्रोफेसर जी का, साइंसदानी का। साइंस ही मुकाबला करेगा साइंस ही। इसका बाप भी साइंस से मुकाबला नहीं कर सकता। अरे मिस्टर, आप जीत ही नहीं सकते। अबे अबे, अभी बात करता हूँ तेरे से मैं। अखबार वाले आए मैं, इनके सारों के सवालों का जवाब देने मैंने, लेकिन सवालों का जवाब जब दूंगा जब मेरा असिस्टेंट साइंसदान जुगनू मेरे पास आ जाएगा, तो मैं और वो मिलके आपके सबके सवालों को जवाब देंगे। ठीक है? ठीक है। जुगनू कहाँ है? जुगनू को आपने भेजा कान पाटने के लिए। ओ हाँ भाई, वो शादियां करवा रहा हूँ ना मैं जोड़ों की, इंटरनेशनल लवर्स की, तो मैंने कार्ड भी छपवाए हैं, तमाम VIPs को बुला रहा हूँ ताकि वो ये शादी में शरीक हो और खुश हो जाए सब। तो वो कार्ड बांटने गया हुआ तो आ गया होगा ना अब तक? तो आ गया, आ गया। आ जुगनू, बुलाए बुलाए जुगनू। ए जुगनू, आ रहा हूँ सर। आ जाओ जुगनू, आ जाओ। प्रोफेसर साहब क्यों पैदा हुए? ये टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर हाई हो गया जिसकी वजह से ये पैदा हो गए। वैसे ऐसे लोग पैदा नहीं होते, ऐसे लोग पैदा नहीं होते बल्कि छोड़े जाते। जब इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में छोड़ा तो फरमाया कि देखो दुनिया वालों में ये भी कर सकता हूं। ये अल्लाह की वो मखलूक है, ये वो है, ये वो है जिसके लिए लोग कहते हैं कि ये वो है, ये वो है। जी जी। प्रोफेसर साहब की शादी हुई हुई है? नहीं, शादी तो इनके वालिद की नहीं हुई भाई, इनके वालिद की शादी नहीं हुई, ये तो सब टेस्ट ट्यूब बेबी है। ये वो इंसान है, मैं आपको बार बार इंसान कह रहा हूं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैं लाल बेग हूं यार, एक्सक्यूज मी। इनके बारे में मैं आप जो पूछना चाहते पूछे। हाँ, एक ये रिपोर्टिंग बाद में होगी, अभी एक आदमी आया उससे मिल लो। इधर ये आदमी है। इतने खुले कपड़े, अंदर कोई किराएदार क्यों नहीं रखते? इतनी जगह है, अंदर कोई किराएदार रख ले, बंदा दो पैसे कमाए। उसे खुद किसी ने किराएदार रखा हुआ यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी सुन रहे हैं आप? अब मेरी इज्जत करें। क्यों? मैं प्रोफेसर हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे और से देखें आप। मैं नहीं देखता, मेरा दिल खराब हो रहा है। और से भी देखूँ और इज्जत भी करूँ, इतने सारे काम करने की मुझे जरूरत क्या है? अरे भाई, अच्छी चीजें बार बार देखने को नहीं मिलती। हाँ ये बात तो है। मैं आपके प्रोफेसर से मुकाबला करने के लिए आया हूँ। आप इनकी साइंस को चैलेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपके नजदीक जो इंसान की आशिकों की रूहों को बुला रहे हैं, जो को बड़ा कारनामा नहीं है? जी, आप अपने कारनामे बताएं, मैं इनके बताऊंगा। मैं बताता हूँ, मैंने पेंसिल से कागज पर गाय की तस्वीर बनाई, उसमें से दूध निकाला, चाय बनाकर पी गया। ये तो तुमने छिछोरापन किया। इनके दादा ने कस पर एक बच्ची की तस्वीर बनाई, कुछ दिनों के बाद वो बच्ची जवान हो गई, उसकी शादी की, ये उसी का बेटा।
बताओ जलील हो रहा हूँ तस्वीर खींच रहा। पासपोर्ट पे आपका बनेगा ना, उसमें दोनों तस्वीर लगेगी, जलील होने से पहले, जलील होने के बाद। तुम्हारी तो ये मर्दों की साइंस है जी, इनके खानदान की तो औरतों ने साइंस का दिमाग घुमा दिया। औरतों ने? शादी नहीं हुई और तीन बच्चे हैं। क्या साइंस? तीन है, तीन, बड़ा वाला ये रहा। अबे बड़ा वाला ये है तो छोटे वाले दो कहाँ हैं? वो ये रहे। ये दो इतने से और ये कितना बड़ा? नहीं नहीं, माल दो का ही है, ठुका हुआ है। वाह भाई वाह, कमाल ठुका हुआ है, और जिसने भी ठुकाई की है कमाल ठुकाई की है भाई। Very nice. मेरे दादा ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि कोई नहीं कर सकता। क्या वो अपने बच्चे खा जाते थे? ये दादा करते क्या थे? नहीं नहीं, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई, ऐसी मशीन बनाई अगर उसमें सिक्का डालो तो पीछे से लड़की निकलती है। वाह, ये तो बेगैरती। अबे ये क्या मशीन हुई बे? मशीन मेरे पास है। क्या आपके पास मशीन है? हाँ, पर हमें दिखाई भी नहीं है। आपके पास मशीन है और हम दूसरों की मशीनें चलाते फिर रहे हैं। अपने घर में मशीन पड़ी हुई है, कमर में लेके जाओगे क्या? उसका कोई काम करो, उसको कोई सफाई करवाओ, रमा करो उस मशीन को। मशीन तेरे पास है? जी। मेरे पास मशीन जो है ना, उसकी क्या बात? तेरी मशीन क्या करती है? मेरी मशीन में अगर सिक्का डालो तो पीछे से लड़की निकलती है। और मेरी मशीन में लड़की डालो तो अंदर से बच्चे निकलते हैं सिक्के उठाए हुए। मशीन के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है? बच्चे सिक्के ला कहां से रहे? साइंस का कमाल है। साइंस में मुझे कुछ बेगैरती सी लग रही है। अरे मेरा साइंस का कमाल देखें, एक मर्तबा मैंने पानी से भरा हुआ एक गिलास यू करके उठाया। उठा लिया? बड़ा ताकतवर आदमी है, दो अखबार उठा के तो वर्जिश करता है ये। नहीं नहीं, जहरीला आदमी, जहरीला है ये। नहीं नहीं, और बताओ आगे। मैंने पानी की गिलास भी उठाया फिर पीकर टेबल पर रख दिया। शाबाश, मेरा सुनो, कल की बात है, छुरी से खशखाश का दाना काट रहा था। क्या? खशखाश का दाना? खशखाश का दाना छुरी से काट रहा था, छुरी दाने में गिर गई। खशखाश में? मेरा पैर फिसला, मैं भी दाने में गिर गया। अंदर जाके गिरा तो लंबी सड़क, एक गाड़ी मेरे पास से जूं करके गुजरी है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ जो इससे लंबी छोड़ेगा कुत्ते का ही बच्चा होगा। भाई आप किस किस ने आना, आ जाओ आ जाओ। भैया अल्लाह का शुक्र है मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हुआ है। अभी पता चल जाएगा कौन किस किस का बच्चा हो। मैं हूं ना, है ना? मैं हूं ना मुकाबला करने के लिए। आगे सुने, मुझे आप जरा गौर से देखें, मैं आपको इस वक्त बोलता हुआ लग रहा हूं, हालांकि मैं गूंगा हूं। देखिए कैसी अजीब बात है, मेरे हाथ नहीं है, थप्पड़ मार रहा हूं। हाथ नहीं है, थप्पड़ मार रहा हूं। हाथ नहीं है, थप्पड़ मार रहा हूं। आप देखिए, इसके हाथ नहीं है, इसके हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है। मेरे को लात किन्ने मारी थी भाई? नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं समझा आप भी उन्हीं लोगों के साथ हैं। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ पे नहीं, हाँ पे नहीं, हाँ पे नहीं। चने की दाल खाई थी आज? हाँ पे नहीं, हाँ पे नहीं, हाँ पे नहीं। ए शमशू भाई, खामोश। ओबे शमशू, नुक्ते लगा ले ओबे कंजूस की औलाद। नुक्ते के चक्कर में पड़ गया ये। बगैर नुक्ते का नाम क्यों नहीं रख लेते? कौन सा नाम है? इरम रख लो, ये नुक्ते नहीं है।
ए भाई जल्दी जल्दी आशिक मासू को बुला। किसको? आशिक मासू को। ए इंटरनेशनल लवर दे आशिक मासू। अब वही है ना सीनी फरार में लेला मजनू। नहीं लेला मजनू नहीं, आप छोड़े इन्हें पड़े, आप जाइए आप वीडियो कैमरे के ऊपर बैठ जाइए और आप सिर्फ फिल्म बनाइए ताकि बाद में उसकी बार्गेनिंग करके बेचे। ठीक है मैं वीडियो के कैमरे में बैठ जाता हूं। कैमरे में नहीं बैठना, कुर्सी पे साइड में। बोलो शाबाश। शमशु भाई अब शमशु 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 रहमान शमसी। ये क्या केस रखा हुआ, इस फाइल पे कौन साइन करेगा? ये फुप्पो है फुप्पो। आवे जरा भाई, मुतनाजा मसले क्या हुआ? आदाब है, हिजड़ों में भी बदशगन है। इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती। क्यों? बातें अजीब ही करते हैं। और मैं रेंचो लैंड से बस में चढ़ी, गार्डन पे उतर गया। अब बरदार मेहमानों के सामने आए, मेहमानों को इज्जत से अंदर भेजना। ओके ठीक है। क्या है चक्कर, क्या इतनी सजीव उन्नी छत्तीस वागन क्यों हो? आपने मुनिका नाम रखा ना, मेरे क्लिंटन साहब उधर खड़े हैं। आपका नाम मुनिका है? जी हाँ। ये क्लिंटन है? जी। चलो ठीक है, हमारा स्कूल से भी लाजवाब होगा अल्लाह के हुक्म से। वो व्हाइट हाउस में मिलते थे, आप क्या ब्लैक हाउस में मिलते? चले आए, चले मेहमानों को ले जाए। चलो चलो क्या ना जाए सरकार। हाँ भाई वो जुड़े आ रहे हैं। शादी के कार्ड तुमने कहाँ कहाँ बांटे? सर शादी के तमाम कार्ड तकसीम कर दिए हैं। वेरी गुड, कहाँ कहाँ? सबसे पहले आपके चाचा के घर गया, वहां जाकर के मैंने घंटी बजाई, टी, अंदर से आवाज आई पी। मैंने कहा कौन? कहता है जॉन। मैंने कहा कहाँ हो? कहता अंदर आओ। मैं अंदर गया, मैंने कहा कहाँ हो? कहता नहा रहा हूं। मैंने कहा आप कैसे हैं? बाहर आ गया, कह रहा ऐसा हूं। मैंने उनको मना भी किया, कुछ तरह बाहर नहीं आना चाहिए। बहरहाल है बहुत इखलाक वाले आदमी। हाँ, इखलाक वाले तो हैं वो। बहुत इखलाक है, मैं उस आदमी में कूट कूट के भरा इखलाक। हाँ। इतना इखलाक वादी मेरे पीछे पड़ गए, बोले आप इतनी दूर से आए हो, नहा के जाओ। मैंने कहा भाई मैं क्यों नहाऊं? बोले नहीं इतनी दूर से आए, बुरी बात है, मैं भी नहा रहा हूँ आप भी नहाओ। अच्छा नहीं लगता। चलो नहा लिए। मैं थोड़ा नहाना पड़ा फिर, थोड़ा नहाया था फिर सारे नहाना पड़ा फिर। क्या मतलब? बस थोड़ा तो नहा नहीं सकते, नहाना पूरा होता है। अच्छा खैर फिर कहाँ गए? उसके बाद आपकी फुप्पो के घर गए। फुप्पो के घर में जाकर के रात का टाइम था, बहुत ठंडी थी। हाँ। मैंने बोला घंटी दबाई, मैंने बोला भाई कुंडी खोलो, बोले कुंडी बहुत ठंडी है, आप कूद के अंदर आ जाओ। है तो बहुत डरते हैं भाई वो लोग, तो ठंड से बहुत डरते हैं वो लोग। हाँ इतने डरते हैं वो, तो कह रहे हैं तो केटू का पाकिट भी नहीं लेते, उसमें बर्फ का पहाड़ बना हुआ है। नहीं वो जलते हैं वो ठंडे से। अच्छा फिर तो वो मैं अंदर चला गया था, वो सारे लियाम में बैठे हुए जनाब। हाँ मुझसे कह लेंगे बहुत ठंड है, आप भी लियाम में आ जाओ। मैं लियाम में गया, वो सारे लियाम से बाहर आ गए। क्यों भाई? कह रहे बस नहीं, नहीं फिर भी क्यों? मुझे बात समझ में नहीं आई, मैंने तो सिर्फ मोजे उतारे हैं। ओहो आपके मोजे तो सिविल अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं ना? हाँ जी, ऑपरेशन से पहले हम सुखाते हैं मरीज। हाँ आपके बनियान से तो दिन मरीज मर ही गया था। खैर खैर। अच्छा ये बताओ कि सब कार्ड बट गए हैं? सर सारे इंतजाम हो गए, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, ये रूहें आ भी जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? इसका मतलब बेइज्जती ना करवा दीजिएगा। नहीं आएंगी। अच्छा मेरा ये मिशन है। हाँ और मैं अपने मिशन में कामयाब होऊंगा। तमाम रूहों को मैं बुलाऊंगा नीचे इस रूह जमीन पर, और मेरे पास बुलाने के लिए एक जिन मेरे कब्जे में है। आपके पास जिन है? हाँ वो जो रेडियो पे ऐलान होता है जिन का बच्चा है ले जाए। वो वाला जिन नहीं, कोई और है। जिन? अच्छा जिन, कोखाफ वाला जिन। कोखाफ का जिन। मैं उसको बुलाऊंगा, उससे कहूंगा कि इन तमाम जोड़ों को यहाँ बुलाओ, इन तमाम आशिकों को यहाँ बुलाओ। मैं बुलाता हूँ जिन को। जबरदन्ना टपकशीरी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही, चूहा तेल पी रहा, हम देख रहे आखिर क्यों 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 क्यों? आ जाओ मेरे शहंशाह, आ जाओ अपना डरावना चेहरा दिखाओ। अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारा चिल्ला किया, तुम भी अपना चेहरा दिखाओ।
मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। आ जाओ मेरे टमाटो केचप, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बंगाली जी ने क्यों हाल है, ठीक हो गया है? हम तुम रोफेशन गया तीनोटी को पुल के नीचे, आप बोला चूरन बेचता है। मैं तीन हूँ, मेरा यकीन करो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड चेक करो। हाँ, ओ जिन गारमेंट, कोकाप के सबसे मशहूर शॉपिंग सेंटर में। जिन एडी चला, तुम आ गए? जी हाँ, मुझे किसने बुलाया? ये चचा रशीद। चचा रशीद नहीं, शमसुर रहमान शमसी। हुकुम करो, क्या काम है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन इंटरनेशनल आशिकों को बुलाओ, उन्हें करने वालों को यहाँ बुलाओ, मैं उनकी शादियां करवाना चाहता हूँ। तुम उनके वलीमे खाना चाहते हो, लेकिन यहाँ वलीमे पे तो पाबंदी है। मैं कोई कानून, कोई पाबंदी सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीर जब चाहे, जहां चाहे और जिसका चाहे खून पी सकता है, कोई कानून उसके खिलाफ नहीं। सर, बाज अमीर अमीर का खून नहीं पी सकते। क्यों? उनका खून अच्छा नहीं होता, खून गरीब का मजे का होता है। इसमें शराफत होती है, खानदानी रिवायत होती है, इखलाक होता है, तमीज होती है, तहजीब होती है, वतन परस्ती होती है, वफादारी होती है, मोहब्बत होती है, जफाकशी होती है, मेहनत होती है, ईमान होता है, खौफ खुदा। बुलाओने, मैं चाहता हूं तुम लैला मजनू, श्री फराद, फुल पुत्र एंथोनी और सोनी मायवाल, शिराज सलीम और नारकली, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, मैं इनकी शादियां करवाना चाहता हूं। आप मुझे क्या समझ रहे हो आका? मैं जीन हूं। तो कैसे? गैस मत कर, तू जीने हमारा गुलाम है, समझ गया? ऐसा पार्सा ना मान, तू मेरे को जानता नहीं है फिर। जीन पार्सा बनता, जैसे तेरे यहाँ तो रक्कासाएं होती नहीं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती हैं। जिनों में ही रक्कासाएं होती हैं, गोकाफ में ही होती हैं। कैसे होती हैं? ये पश्तो फिल्मों में कौन नाचता है? काबू में ही नहीं आती, काबू में ही नहीं आती। आप पश्तो फिल्मों में, शायद आपने पूरी फिल्में देखी नहीं। नहीं देखी है। आपकी बढ़िया आपकी बेटी भी काम करती है पश्तो फिल्मों में। अच्छा अच्छा, मेरी नजर नहीं आई। नजर आएगी भी नहीं। क्यों? पश्तो फिल्मों में मुंह कब आता? असल में मैंने पूरी फिल्में कभी देखी नहीं ना, सिर्फ टोटे ही देखे हैं। जिन, तुम्हें ऑर्डर किया जाता है कि तुम तमाम मोहब्बत करने वाले उन आशिकों को जो जमीन से चले गए बगैर शादी के यहाँ हाजिर करो। अरे ये शादियां कामयाब नहीं होंगी। अबे जिन बन, वकील मत बन, बहस मत कर। बुलाओ उन्हें, उन्हें बुलाओ, ये हमारा काम है शादियां करवाना। बुलाओ। ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अगर शादियां कराने में आप नाकाम रहे तो आप दोनों को पीटीवी 2 पे काम करना होगा। हमें माफ कर दो। क्यों? हमसे बस्ते सिलवा लो, हमसे बैगों में जिपे लगवा लो, और हमें पीटीवी 2 पे काम ना करवाना। क्यों भाई? अरे वो तो जब खोलो एक ही प्रोग्राम आ रहा होता है, नाजरीन ये ट्रैक्टर है, इसके 4 पहिए होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, और ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाता है, जिसमें जापान भी शामिल है, जहां से बन के आते हैं। फिर जापानी हैरान होते हैं, सच भैया पाकिस्तानिया, हम बनाया, हमें समझाया। बुलाओ उन्हें, बुलाओ सबको, बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूं। संतरी मंत्री मंत्रो तुम मंत्र बुलाओ, बुलाओ बुलाओ सबको, बुलाओ हमें। Thank you.
आराम करा के चल चुकी है। सारी औरतें वहां पीछे कहां चली गई? ये तो मोहल्ला भी ठीक नहीं है सर, बाहर तो कूड़े का डब्बा रखो वो ले जाते हैं लोग। सब आ चुकी हैं रूहें। सर ये तो आ गई है लेकिन इनके आशिक नहीं आए। तुम्हें मालूम है कि जब आशिकों को बुलाना हो तो पहले लड़कियों को बुला लो, आशिक खुद ब खुद उनके पीछे आ जाएंगे। तो कौन सा पहला आशिक है जो इन लड़कियों के पीछे आया है? आ रहा है, रेगिस्तानों का बादशाह रेगिस्तान पे भाग रहा है, भागता हुआ आ रहा है मजनू। ये था मिस्री मुजरा। लैला लैला तेरे प्यार में हो गया मैं गेला गेला। रास्ते में किसने रखा ये मूंगफली का थैला? ये मूंगफली का थैला या निहारी का पतीला? निहारी का पतीला, ये नली, ये मगज, ये फराई, ये निहारी। हमारे में अच्छा अच्छा बूटी ढूंढ के खाओ। वल्लाह मैं क्या निहारी की दुकान पे आया तू? अल खुशाम दीद अल मजनू अल खुशाम दीद। मजनू? आप मजनू गोरखपुरी? ना रेगिस्तानी छाड़ी बस। अल बर्बाद उल मजनू अल खुआरत उल लैला वल अयल नंग पैरा वायल तल रेता गरम अल वड़ा वड़ा छाला पैर दे थल्ले थल्ला है पैर दे थल्ले मैं छनकाइया मंगा वंगा ना 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 गोरखपुरी। आप मजनू गोरखपुरी है ना? ना हलवा पूरी है जे हलवा पूरी इन्ना इंसान का मजबूरी। ओ इंसानों का टैलेंट। मजनू गोरखपुरी साहब वाला आपका ऊंट कहाँ? वो हमने भाड़े पे दिया तुम किराए पे। हाँ रनछोले और खारादर में बचा उस लोग इस पे बैठ के चक्कर खाए तो। जरूरी वाला ऊंट का चला देखे आप चलाते हैं जब किराए पे ऊंट चल रहा है। अच्छा वो जो ऊंट की रस्सी पकड़ के चलते है वो आप है? नहीं वो ऊंट का ड्राइवर है। अलका में रू बुलाना शादी कराना पैसा कमाना धंधा पुराना जाने वाले हमें छोड़ के ना जाना। लुडी है जमा लो पाओ लुडी है जमा लो। वल्ले ये क्या अरबी में खबरें खत्म हुई है? चार तारफुल मुफस्सिल। वल्ले आप आए हमने ईद का नमाज पढ़ा कराची में आकर। आपने नमाज यहीं पढ़ा? अल्लाह मीनारों के साय में नमाज पढ़ी? ना ना दरख्तों के साय में नमाज पढ़ी? ना ना स्टेडियम के साय में नमाज पढ़ी? ना ना। तो फिर किस चीज के साय में नमाज पढ़ी आपने? पुलिस के साय में। कराची आकर हमको ये महसूस हुआ यहाँ तो नमाजी भी महफूज नहीं। पता है क्या? फिर हमने नमाज के बाद भीख मांगना शुरू किया कि लैला के लिए शॉपिंग करेंगे। बोले बोले हमने मोबाइल फोन पर भीख मांगना शुरू किया तो एक पुलिस वाला आया। कह रहे शर्म नहीं आता मोबाइल पर तुम भीख मांगता है? तो हमने पुलिस वाले को बोला आप में और हम में फर्क क्या?
आप भी मोबाइल पे मांगते हैं, हम भी मोबाइल पे मांगते हैं। अल खतरा मजनू रुपुश रुपुश। अबे अबे क्या देखो राशा पेशावर द अरबी वह दल तकेला लैला किथे अल्लैला तुलाम अदल बाद लाखरू आप आ गए हैं वाले माशाल्लाह मजनू साहब वाले बड़ी खुशी हुई मैंने आपको इसलिए बुलाया है वाले कि मैं ये चाहता हूँ आपने लाजवाब मोहब्बत की लैला से वाले मैं चाहता हूँ आपकी शादी लैला से यही हो जाए लैला से मेरा शादी होएगा तुम्हें इतराज है तो हम कर लेंगे नहीं नहीं वाले लाहौल वाला कुआत हम चाहते लैला से हमारा शादी होगा हम दुबई से वॉशिंग मशीन लाया वॉशिंग मशीन क्यों लाए हैं आप भाई लैला से हमारा शादी होगा बच्चे भी आएगा हाँ। तो उसका पोतले धोने का काम आएंगे अच्छा वो मशीन पोतले धोने की है हाँ। बच्चों के हाँ। अबे अपने पोतले सजा रखियो भाई मेरा रूम कहाँ है जहाँ मैं ठहरूंगा वह तफसील आ गई वह रवान ग्यूल सिरात मुस्तकीम है وائي لا 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 البايع الدايع والبايع والدايع الجل قدم واحد بالباب والدروازة وحل الابتداء الجهنم يا آدمي جمعة كام پڑھاتا ہے مجھے خود معلوم جگہ ملتا پڑھا دیتا ہے مجھے خود آج معلوم ہے جہنم میرے گھر میں مجھے نہیں معلوم بھائی اچھا آج کب جائے تم جاؤ کمرے میں ریسٹ کر رہے تم سنو اچھا اچھا پیس بھیج دے تم पहले बता दे कौन सा लेग पीस कौन सा पीस अबे ये क्या कह रहा है मुझसे अच्छा अच्छा पीस ये मुझे समझ क्या रहा है भाई यही तो समझ गया हम तो है ही नहीं आप बताइए मजनू आ गया है क्या लैला आएगी कि नहीं चेहरे पे खबासत आ रही है शैतानी आ रही है भाई वो लैला आएगी ना आ रही है कुछ खबरें आ रही है लैला आ रही है मेरा मजनू कहाँ है बोला मैं वह सवलात अल हराम वला है मजनू है अल कुल मुस्लिमीन अल मजनू है वाई नरे दिया ला मजनू है वाला एक आवाज मारो हजार मिलता है लैला आप आ गई लैला जी आप आ गई लैला आ गई अंधे आ गई नाबीना है आ रही और पैरों में गिर जाए पैरी ये बड़े बड़े लोग हैं बड़े आशिक हैं यकीन नहीं आता इनका कहीं यहाँ आ चुके हैं आ गई है लैला हम देख रहे हैं लैला आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बहुत प्रॉब्लम हुई अभी मैं एयरपोर्ट पर पहुंची हूँ तो मैंने देखा कुछ औरतें अपने शौहरों को मार रही थी मुझे बहुत अफसोस हुआ ओए होए तूने तो मजनू के पैर धो धो के पिए ना है ना ख्वार कर दिया उसे लोग बर्गर खाते वो पत्थर खाता है कपड़े फटे हुए रेत पे पैदल फिर रहे चप्पल तक तुमने उसे लेके नहीं दी क्या तुम मजनू को शीशु से एक चप्पल लेके नहीं दे सकती थी वो खुद मजनू है आपने उस बेचारे को ख्वार किया बर्बाद किया और अब कह रही हो कि हमारे अफसोस हुआ औरतें बेइज्जती कर रही थी तुम औरतें हो बेवफा एक औरत मरी तो मर्द ने ताजमहल बना दिया ये रोज मर्द मारती और एक कब्र नहीं बनाती आप मुझे ये बताएं क्या आज भी लोगों को हमारी मोहब्बत याद है किसको लोगों को और लोगों को लैला ऐसी पागलपन की बात मत कर तुम्हारी जनरल नॉलेज नहीं है क्यों तुम जो लोगों को दुनिया में काम छोड़ के गए लोग आज तक उसी काम पे लगे हुए अच्छा और क्या मगर फर्क हो गया तुम लोग तो सुस्त आशिक सुस्त 20-20 साल एक दूसरे को देख रहे टकटक 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 तुम लोग तो इतने सुस्त है तुम लोगों ने शादियां नहीं करी आसान काम है शादी वो नहीं कर सकेगी 20-20 साल मोहब्बत कर रहे हैं आज का आशिक फास्ट है फास्ट स्कूटर पे एक हॉर्न है पेप पेप लड़की है क्रिम स्पीड ब्रेकर
पीछे की सवारी आगे भड़म, दो जा रहे हैं तीन आ रहे हैं। ये तो तेरे अम्मी अब्बा भी क्या स्कूटर पे गए थे? हमारे तो बहन भाई बहुत हैं, वो तो वैगन में गए थे। लैला लैला आप आ गए? अरे आ गए, आ गए हैं, आ गए हैं। मैं यकीन नहीं है। लैला आप यहाँ आ गई हैं, मजनू साहब की शादी करवाऊंगा मैं। आइए आप अंदर तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। अपनी माँ का हाथ स्कूल पकड़ के जा रहा है, स्कूल जा रहा है अपनी अम्मा के साथ। हाथ पकड़ लिया, वो समझ रही है। हम इतने बड़े बड़े हो गए, सारी जिंदगी गुजर गई, आज तक हाथ नहीं पकड़ सके। तूने हाथ पकड़ लिया, बुढ़ा हो गया ये इस काम में, ये हाथ नहीं पकड़ सका। और कमबख्त मारा, वो समझ रही है बच्चा है। बच्चा कहाँ है, ये देखो शेप चुभ रही है, देखो उल्टे ब्लेड मारता उल्टे। तेरा क्या प्रोग्राम है, उल्टे ब्लेड मारता तू। ये कमबख्त, ये वो होंडा 50 है जिसमें पजीरो का इंजन लगा हुआ है। अबे बता रहा तेरा प्रोग्राम क्या, उल्टे ब्लेड मार रहा है। जा ना जाए उल्टे ब्लेड, प्रोग्राम नहीं बता रहा। ओहो बाल भी सेट हो रहे हैं। अब जब मैंने सोच लिया क्या, इसको बिल्ली के आगे फेंक दूंगा, बिल्ली बिल्ली खाएगी इसे। मुझे अब कौन आ रहा है सर? सर वो पीछे पीछे जनाजा आ गया। ये पीस अंदर तुमने भेजे तो हाँ शुक्रिया। दो मेमनी विस्की भी भिजवा दो। मेमनी विस्की क्या? दूध पती जा रहे हैरान ना हो, मेमनी विस्की पे हैरान ना हो। अभी इसने मेमनी विस्की मांगी, थोड़ी देर के बाद ये मेमनी चरस मांगे। मेमनी चरस क्या? गुटका। फिर उसके बाद मांगेगा ये मेमनी हीरोइन। वो क्या? सादा खुशबू का पान। चमसो भाई, अबे नुक्ते लगा ले। वो प्रोफेसर शमशी उर्फ शमशुर रहमान सिया कल्ब। सिया कल्ब इनका नाम है पूरा। अच्छा वो लेला आइए ना लेला, उससे मेरा तारुफ तो करा दो। क्या बताएं उसको, बोले ये फाइनेंशियल है, पैसे लगाए। बता दिया हमने, बहुत खुश हुई, बोले बड़े अच्छे आदमी है, हम इनकी इज्जत करेंगे हमारे बाप की जगह। ये मजनू घर के अंदर अजीब अजीब किस्म की बातें क्रिएट कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। कौन आ रहा? बैसाखियों की खट खट की आवाज आ रही है। नूरी नथ आ रहा क्या? नूरी नथ नहीं, महिवाल आ रहा है। महिवाल? महिवाल आ रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ आशिक। महिवाल भागा वाले ओ नाम जपो मौलाना। क्यों बुलाया भाई मुझे? अभी तो मेरा हिसाब किताब हो रहा था, अभी तो जख्म भी नहीं सूखे, मेरा इलाज हो रहा है। माहिवाल साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम तो पैदा ही तकलीफों में हुए भाई। जब मैं पैदा हुआ तो अब्बा तकलीफ में थे, जब अब्बा पैदा हुए तो दादा तकलीफ में थे, हम तो रहते ही तकलीफ आबाद में है भाई। अच्छा ये अच्छी बात है कि आपके सारी तकलीफें मर्दों ने उठाई। ये नहीं, ये माहिवाल है, इसने वो मोहब्बत की है कि जो कोई नहीं कर सकता। इसने सोनी से इतनी मोहब्बत की कि अपनी रान का गोश मोहब्बत में सोनी को खिला दिया। इसने सोनी की आदतें बिगाड़ी है, ये सोनी की आदतें बिगाड़ने वाला।
गए। अच्छी वाली औरत थी, इसने अपना गोश्त खिला के उसे आदमखोर बना दिया। ये तो गोश्त खिला के चला गया, बाद में उसने अपना भांजा खा लिया। हाजरा आपा का बेटा खा गई थी। हाजरा आपा का बेटा खा गई वो? दिया। लेकिन हाजरा आपा का बेटा तो मैं हूं यार। और साहब आपका क्या ख्याल है, एक ही हाजरा? अच्छा दूसरी होगी। हाँ दूसरी होगी भाई। अरे हम तुम लोगों की तरह मोहब्बत नहीं करते कि टेलीफोन करके लड़की को सिनेमा हॉल में बुलाया, फिल्म दिखाई और लड़की बचा ली। अबे तो और क्या, आजकल यही होता है, तेरी तरह मोहब्बत करते फ्री फोकट में। तेरा खर्चा क्या था मोहब्बत में? पानी में पैर डाल के बैठा बस, वो मटके में बैठ गया कि ना कोई पेट्रोल का खर्चा, ना कोई रिक्शा किराया, ना कोई टैक्सी। आज की मोहब्बत है माल लड़ता माल, माल खर्चा होता है। ऐसी लड़कियां कोई रिसर्ट होती, फ्रिज फ्रीजर गाड़ियां स्कूटर वैसपा, अब्बा के दांत अम्मा की आंखें, सब करना पड़ता है, तब तक जाके बात होती है। तू अपनी मोहब्बत लेके बैठा फ्री फोकट की, पानी में हर वक्त पैर डाल के, काहे की गर्मी थी तेरे को? जगनो मारवा भी। अरे गले में बैठ के आती थी मुझसे मिलने के लिए वो, और मैं गाना गाता था, ठंडी लगती वे मैनू ठंडी लगती, ठंडी लगती वे मैनू ठंडी लगती, सारी रजाइयां तेरी मां ओढ़ लेती है, मैनू ते एक भी नहीं लगती, ठंडी लगती वे मैनू ठंडी लगती, पैर में तकलीफ है इसलिए। वो अपनी ठंड का इलाज करा, तेरी ठंड सही नहीं है और ठंड तुझे लगेगी क्योंकि तू सोनी का ब्लाउज पहन के आ गया है। इंसान बन जा, मैं तो समझा रहा हूँ फिर अभी। चारों तरफ ठंड लग रही है, गंभा तो कपड़े जो तू ओपन एयर पहन के आ गया। नहीं जुगनू, ये वो आशिक है, इसने प्यार किया, सच्चा प्यार। प्यार क्या किया इसने, प्यार किया, फ्रॉड किया। वो बिचारी घड़े पे बैठ के आती थी, ये तो पानी में पैर डाल के बैठा था, तेरी वजह से मछलियां बाहर आ गई दरिया से। क्यों? नाक पे हाथ रखते थे, तौबा क्या बदबू है इसकी टांगों में। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये मोरखीन ने अपनी किताब में लिखा है। कौन सी किताब में? मछलियां और उनके मसाइल। उनका सबसे बड़ा मसला इसकी टांगे थी मनुष्य की। अरे तुम लोग कैसी मोहब्बत करते हो, जगह जगह मुंह मारते हो। अरे हमें देखो, एक ही जगह मोहब्बत की है, सोनी के लिए जीना है तो सोनी के लिए मरना है। सोनी के लिए मरना है, तू मरेगा कितना मर जाएगा, तू इतना सा तो कितना मर जाएगा इसमें। सोनी के लिए, सोनी के अलावा तू मोहब्बत किससे करता? गाँव में कोई और लड़की थी नहीं, बाकी सारी 50 साल से ऊपर की औरतें थी। अब हम लोग क्या करें, हमारे यहाँ वैरायटी इतनी है तो कहाँ कहाँ जा रहे भाई। हमारा तो दिमाग घूम गया था, बस में चढ़ो, नया चेहरा इधर चढ़ो। माईवाल साहब आप आ गए हैं। माईवाल तू आ गया ना बेटा, बस दुआ कर किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए तू बस। अरे पाकिजा मोहब्बत करने वाले लोग हम। पाकिजा तू सर खा के मोहब्बत करता था? जुगनू नहीं सर, छोड़ दो अभी, तू भी पिटेगा, छोड़ दे। हम लोग इन लोगों में बहुत तबाह है आशिकों पे, कोई काम अकल का करके नहीं, कोई फैक्ट्री लगा जाते हैं मनुष्य। जुगनू बीच बो के चले गए। जुगनू माईवाल साहब आप अंदर तशरीफ रखिए, सोनी आने वाली है, हम आपकी सोनी की शादी करवाएंगे। यही मिलवाओगे ना सोनी से मुझे? मिलवाऊंगा, ये चाचा करता है ये काम। मैं तो खुद अपने चक्कर में फिर रहा हूँ। चलो सोनी से मेरी शादी होनी चाहिए। चलिए तशरीफ रखिए आप। इसने बैसाखी का तकल्लुफ किया क्यों है भाई? क्या हुआ जनाब? हमने बोला अच्छा अच्छा पीस भेजे, तुम कचरा भेजे। तो हमने बोला डिफेंस का पोपट भेजो, तुमने अख्तर कानून का रहमत मसीह भेजे। तो अच्छा अच्छा पीस भेजे तो मुझसे क्यों कह रहा है अच्छा अच्छा पीस? आपका दोजक में बहुत जिक्र होता है, सब वहीं से आए आपकी पब्लिसिटी सुन के। क्या हुआ? ओए ओए चेहरे पे आइए, खबासत आई है, कोई आ रहा है? दरिया में गढ़े के तैरने की आवाज आ रही है, छपड़ 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 छपड़। अबे गढ़े की आवाज छपड़ छपड़ थोड़ी आती है यार, दरिया में घड़े के तैरने की आवाज आ रही है, लपड़ थपड़ लपड़ थपड़ लपड़। अबे पानी में क्या तेरा अब्बा चल रहा है? लपड़ थपड़ लपड़ थपड़। दरिया में घड़े के चलने की आवाज आ रही है, पकड़ थकड़ पकड़ थकड़ पकड़ पकड़ थकड़ पकड़। अबे क्या दरिया में पुलिस की मोबाइल जा रही है तो पकड़ थकड़ हो रही है? कोई तो आवाज आएगी ना, आने दो, तुम्हारे बाप का दरिया है।
दरिया में घड़ा चल लिया भाई। घड़ा चलेगा चलो मैं चुप 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 ये तेरे ये कमबख्त तेरे हाथ का बना हुआ घड़ा है। चुप सोनी सोनी आ रही है। अताउल्लाह इसा खेली साहब फरमाओ अपना एस बी जॉन साहब सोनी। अच्छा ये सोनी सोनी है सोनी सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आवाज भाई हम सब के लिए आवाज तुझे और तेरा हर एक जर्रा हमको भाई अपनी जान से प्यारा तेरे दम से नाम हमारा जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे अबे ये कौमी तराने में अस्पताल के टोटे क्यों चलने लगे भाई। सर ये कौमी नगमे में थोड़ी सी मैंने ममता डाली। वे सदके जावा तुसी ते अपने ही लगे हो ते फिर घर ले जाओ। सोनी सलाम अलैकुम भाईजान। भाईजान होगा तेरा बाप। अच्छा तो जल्दी से बता रहा ना मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मैं इतने मजे से ऊपर आराम से बैठे हुए थे बोले मुझे आने तेरे कह रहे तुमने जाना तुमने जाना तुमने जाना। मैंने कहा नहीं मुझे जाना दुनिया वाले इतने बाहर से बुला रहे मैंने जाना 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 मैं आ गई। मैंने इनसे पूछा आपने किसको बुलाना कहते मैंने सोनी को बुलाना तो सोनी को बुला फिर माया को बुलाना कहते माया वाला किसी से शादी करा मैं शादी कराओ तो फिर दोनों शादी करा राजी में तो क्या करूँगा नहीं को तो मुझे बात कर लेंगे फिर बात कर फिर अपने लगे हो। कितने बजे? अबे क्या घर की बातें करनी शुरू कर दी अपने? घर की नहीं काम की बातें कर रहे भाई। सोनी जी पाजी। अच्छा सब हाजी मैं पाजी। अरे इनके जैसा हज तो किसी ने किया नहीं। अच्छा ये पिछले साल हज पे गए थे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने शैतान को कंकर मारे शैतान चुप रहा। इन्होंने कंकर उठाए उसकी आंखों में आंसू आ गए चलने लगा प्रोफेसर साहब आप तो अपने हैं ऐसा ना करो। ये इतनी दफा हज पे गए कि अब इनको देख के शैतान चाय मंगा ले कि भाईजान आ गए दो दूध पति पकड़ ले। सोनी आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बड़ी प्रॉब्लम हुई बड़ी मुश्किल हुई है मुझे इधर आने में इधर के लोग अजीब है मानते ही नहीं। तो आप मान जाते? हाँ नहीं जी मानते ही नहीं कहने लगे गला चेक करो गले में कुछ है। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है कहने यही तो मसला है इसमें कुछ क्यों नहीं है रिश्वत लगाई है तो यहाँ आई हूँ। अच्छा हाँ वेरी नाइस बेटा तुम और बड़ी खोज चला है। अल्लाह का शुक्र है कभी गुरगुर नहीं किया कभी करके वेख गुरू तुम की कर लोगे। मैं गुरूर का अशर कर दिया। अबे क्या घर में मुगले आजम चला रहे हो? भाई हम कुछ तो चला रहे हैं तुम तो कुछ भी नहीं चला रहे। बाबा है ना इन्हें चलाओ छोड़ी होंडा को। महिवाल जी आ गए? आ गए हैं तशरीफ रखे हुए अंदर। अच्छा आप आइए अंदर चलिए शादी कराएंगे आपकी। हाय महिवाल से मेरी शादी करवाओगे? वे मैं सदके जावा मेरा पाजी पूरा तेरा खानदान पाजी। यार महिला क्या हो यार मैं तो मुझसे क्या कह रहा मैंने तेरा मुंह बनाया। अब बड़ी भैड़ी गल है तुम तप जानते हो। आप अंदर चलिए बड़ा डाटा इश्क था जी मेरा बड़ा डाटा इश्क। आप बड़े पाजी ये आजकल इश्क का क्या हाल चल रहा है? एक बार और कहो बड़े पाजी। कहने दे भाई आदमी का अपना ईमान मजबूत होना चाहिए। नहीं जी साडा बड़ा डाटा इश्क ना मीवाल दे नाल बड़ा प्यार किया मैंने उसके अपने माँ प्यो की ना इज्जत का ख्याल नहीं किया। आंधी आए तूफान आए मैंने उससे मिलने जाना होता था यहाँ तक के मुझे कुत्ते पड़ जाते थे मैं फिर भी जाती होती थी। पीछे कुत्ते पड़ जाते थे? तू मैं इसके पीछे क्यों पड़ता था तू है?
मैं तो एक दफा इसके पीछे गया, वो भी आपका पता करने के, आपने अब्बू को देखा है? सब मैं ही हूँ अब्बा जी, पा जी, कुत्ता, सब मैं ही हूँ। अगर आप कुछ कहेंगे फेंक के मारूंगा सारा मैं। मार दे मेरा की निकल जाने में, तू मुंह दबा लेके। तमीज से बात कर रहा है? तकीद भी डाल का मेरे ना गलत तमीज डाल देना। अच्छा मैं सर फाड़ दूंगी तेरा। मैं तेरा मटका फाड़ दूंगा और तेरे पर हैवी सिर मट गई। आप चले अंदर। अरे सुनी साहब आज आ रही हूं, कितनी दफा अंदर भेजेगा? अब वो सीधा करा उसका। सुनी मजनू साहब आप हंसकर भूल गए। अरे मजनू को बताओ इसकी तस्वीर बन के आ गई है वो रखी। बात सुनो, ये पीस तुमने भेजा, शुक्रिया। अंदर दो चाय भी भिजवा दो। मेरा और माईवाल का डब्बू का फाइनल मैच हो रहा है। अबे ये क्या अंदर, ये क्या दुकानें खुल गई यार। मजनू मुझे लगता है कि यहीं का आदमी है, ये अंदर खारादर का माहौल बना रहा है। अभी डब्बू आया, कल प्राइस बोर्ड की दुकान खुलेगी। क्या कह रहा है यार? मैं सही बोल रहा हूँ सर। घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही है। अबे घोड़ा ऐसे कब बोलता है भाई? ये घोड़ा इसको कुत्ते ने काट लिया। आपने घोड़े में पेट्रोल डलवाया ना? एक्सीलेटर सही नहीं दब रहा। घोड़े में बैठ कर आशिकों का बादशाह शहजादा सलीम। ए मोहब्बत जिंदाबाद, ए मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद नाज़माबाद लियाकताबाद। तीन अट्टी गुरु मैंने डाड़ की मारी अल्लाह वाली। बताओ ना इसी काम के लिए रखा हुआ तुमने? ये मुंह पोछने का था। नहीं ये की बात है, हमारे हमारा इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया? इस्तकबाल किया जाए। बाद अब बा मुलायजा जेब पॉकेट से होशियार, दिल ने सुबानी दर्दा खाएंगे बिरयानी, बोतल पियेंगे के पानी। आपको याद कर रही है आपकी मुमानी। क्या मुमानी के साथ आया भाई? हमें किस लिए बुलाया गया है? बेइज्जती करनी है। ये चाचा कौन है? प्रोफेसर साहब है जिन्होंने आपकी रूहों को साइंस के जरिए दुनिया में बुलाया। बड़ी बात है, हम यहाँ तक पहुँच ही गए। हाँ ये बताइए आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सारे रास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सौराब बोर्ड पे थोड़ी गंद हुई। सौराब बोर्ड पे क्या हुआ भैया? हमारी W11 पंचर हो गई थी। आप W11 पे आए हैं? नहीं W11 पे क्यों आएंगे, हम खुद एक W11 है, है? बल्कि आज का हर आदमी एक चलती फिरती W11 है। ये नई साइंस लाया क्या? हम साबित कर सकते हैं। कैसे? हाथ ऊपर उठाओ। मैं हाथ ऊपर नहीं उठा सकता। क्यों? मेरी बगल फटी हुई है यार। तुम हाथ ऊपर उठाओ। क्या तुम नाई हो? हाथ ऊपर उठाओ, हम साबित करेंगे हर आदमी W11 है। ये देखो और से ऊपर से W, नीचे से 11। और अब देखो ऊपर से W, नीचे से 110। नहीं है ये भी W11 पंचर हो गई है। अनारकली कहां है उसे बुलवाओ। अनारकली का नाम लेने से पहले अपने मुंह में कुल्ली कराओ। तुमने उस औरत के साथ जो कुछ किया तुम्हें उसका नाम लेना चाहिए। उस चक के अनारकली को दीवारों में चुनवा कर फिर मोहब्बत
मोहब्बत का ढोंग रचाने आया क्यों बे? फरार करी से मोहब्बत की थी तो उसे बचाया भी होता, अपने बाप से डर गया था बे। फरार करी से प्यार किया था तो उसकी मोहब्बत का इस्तेमाल क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। तुम क्या जवाब दोगे? जब अनारकली को दीवार में चुना जा रहा था तो तुम दिलाराम का डांस देख रहे थे और कुप्पी पी के टुन हो गए। आपको कैसे मालूम हुआ? ये मैंने किताब में पढ़ा है, मोरखीन ने लिखा। कौन सी किताब है? अनारकली और टुन बादशाह। क्या बकवास है, हम पे इल्जाम लगा रहा कि हम कुप्पी? हम कुप्पी तो क्या, चर्स के सिगरेट भी हाथी पे बैठ के बनाते थे। हाथी पे? हाँ, और हाथी भी धुएं से टुन हो जाते और अपनी फौज पे चढ़ जाते। बखुदा बखुदा, ये हमारे अब्बा हुजूर पर इल्जाम है कि उन्होंने हमारी मोहब्बत अनारकली को दीवार में चुनवाया। अगर वो तुम्हारे बाप तुमसे मोहब्बत करता होता बे तो अनारकली तुम्हें बख्श देता। नहीं, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते थे बखुदा। जब हम इतने से थे तो हमारे अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर हमें सुलाने के चक्कर में सारी सारी रात जागते थे। और जब हम सो जाते थे तो अब्बा अम्मी से कहते थे, देखना उल्लू का पट्टा सो गया। और हम उस वक्त भी जाग रहे होते थे और जाग जाग के तू इकलौता रह गया। इकलौते तो यूं के हमारे वो तो अब्बा हुजूर के नसीब में औलाद ही नहीं थी। नसीब पे डाल दे, नसीब पे डाल दे। नहीं, वो तो हमारी पैदाइश के लिए उन्होंने इतनी मन्नतें मानी। मन्नतें मानी? महल में वजीर समझा रहा था उसकी नहीं मानी। नहीं, हमारे अब्बा हुजूर ने हमारी पैदाइश के लिए कितने कष्ट उठाए। रेगिस्तान में गए अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर और रेगिस्तान में हमारी पैदाइश के लिए एड़ियां रगड़ते रहे। नहीं, वो पैदाइश के लिए नहीं, वो तो उन्हें गैस थी ना यार। नहीं, वो मैं वाकया बता रहा हूँ पैदाइश का। अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर रेगिस्तान में एड़िया रगड़ रहे हैं, अचानक महल से कनीज आई, उसने इतला दी, मुबारक हो बादशाह सलामत और मलिका आलिया, आपके यहाँ शहजादा सलीम पैदा हुए। अबे ये क्या है, अम्मा अब्बा तेरे रेगिस्तान में, तू वहां पैदा हो रहा है? कैसा बच्चा है तेरा, वालिदैन से राबता ही नहीं हो रहा। ये अजीब पैदाइश है यार। नहीं, वो रेगिस्तान में थे ना, हम घर में पैदा हुए। खाला क्या? भाई इनके अब्बा बादशाह थे, इनकी खाला क्या भी उनकी पर्ची चलती। अरे क्या बताएं, हम कितनी मुश्किल से पैदा हुए। अबे क्या हम आसानी से हुए? क्या हम खतों की दावत से पैदा हुए? हम भी मुश्किल से हुए। ये तो इतनी मुश्किल से हुए प्रोफेसर साहब, इन्होंने जिस दिन होना था ये कहीं गए हुए। इनको बुला के लाए भाई आपने पैदा होने। अबे ये क्या बात है यार, मैं जब पैदा ही नहीं हुआ तो गेवा कहा था भाई? मैं पता नहीं भाई, लोगों ने तो यही बताया। कौन सी किताब में लिखा था भाई ये? मोरखीन ने लिखा है। कौन सी किताब में? बच्चा और उसकी मसरूफियात। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हमें पैदाइश में कितनी मुश्किलात हुई। हम पैदा हो ही नहीं रहे थे, होते भी कैसे, हमें होना आता ही नहीं था। तो हम क्या पांच पांच छह छह दफा हो चुके हैं? ये तो नसीब में होना है, वो तो होना है। वो तो कनीज, कनीज हमारी किस्मत देखो। कनीज जो दाई बुला के लाई, उस दाई को दाई का काम नहीं आता था, वो दरगन थी। घर आते ही बोली, बताओ क्या सीन है। वो तो बड़ी गंद हुई। बहरहाल हमारे से बहस मत करो, तुम्हें पता है हमारे दौर में क्या क्या होता था। आपके दौर में जो होता था हमने सब आपकी फिल्मों में देख लिया। नहीं, नहीं, हमारी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था, हमारे यहाँ तुलू नहीं होता। आप मुसलमानों को देख के सूरज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये कैसे मुसलमान है जो एक दूसरे का घर जला रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी का घर महफूज नहीं। सूरज कहता ना निकलो तो अच्छा। बड़ी बात है, हमारे दौर में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे। हमारे यहाँ भी शेर और बकरी एक ही पिंजरे में पानी पीते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम रोजाना बकरी नहीं डालते, पुरानी बकरी तो दो चार मिनट पानी पीती है, उसके बाद शेर जो है वो सेवन अप का जग पीता है।
अपने दौर में बड़े बड़े काम किए, तुमने क्या किया? हमने 12 दरी बनवाई। साहब 12 दरी तो हमने ही बनवाई है, सरकार वहां पे तो 11 दरी है। वो एक दरी धुलने गई है ना यार। ये कौन सी दरी है? ये डेकोरेशन का काम भी करता। हाँ देखो ये हाथ धोने वाला कूलर। हमारे हमारे यहाँ खजाना हर वक्त भरा रहता था। हमारे यहाँ भर रही नहीं रहा। खाली खाली भरा ही नहीं रहा। क्यों? किस्मत ही खजाने की खराब। क्या मतलब? मतलब ये है कि खजाना भर नहीं रहा। किसी को ख्याल नहीं रहा खजाना भरने का। कोई टैक्स नहीं दे रहा, खजाना कहाँ से भरेगा? हमारे तो खजाने के वजीर की तनख्वाह नहीं निकल रही। चीख चीख के गले दुखे भाई, टैक्स दो, जिसका जो बनने वो दे तो सही, दे को नहीं दे। बहरहाल हमारे रहने का बंदोबस्त किया जाए। आप जाइए अंदर, अंदर रूम है आपका, उसमें आप रह सकते हैं। ठीक है, हम जाते ही ना आएंगे। नहीं तुम हमारे साथ चलो। मैं क्यों? कमर पे साबुन मलना है। अबे मैं क्या हर काम करूंगा क्या? मैं साबुन भी मैं ही मलूं? तुम्हारा मुंह ही हमाम वाला, हम क्या कर सकते? अरे ये कौन आदमी है? आओ। मैं यहां नहीं रहूंगा। क्या हुआ क्या भाई? क्या भेजा तुम? क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला चिकन टिक्का भेजा तुम? हाँ। तो कटर बगीचे का अमरूद भेजा तुम? अच्छा अच्छा पीस अच्छे अच्छे मांग रहे हैं, मगर पीस की भी तो ख्वाहिश होगी कि आगे को अच्छा आदमी हो। भाई ये क्या आदमी है, इधर अरबी बोल रहा है अंदर पश्तो बोल रहा था। ये पिशावर की फ्लाइट से आए, आप जाएंगे? अबे ये मजनू के हाथ में गन्ना कहाँ से आया? ये पीछे चने का खेत है ना, वहां से लाया। मेरे घर में ये क्या हो रहा है भाई? भाई आप क्या किया, आपके सामने आ रहा। मैं कह रहा था मत बुला विनाशिकों को। क्या हुआ? चेहरे पे नदामत आ रही है। आ रही है कौन? प्यार किया तो डरना क्या, आदाब। हमारे सलीम कहाँ है? मेरे पर रखवा के नहीं दी तुम? हमने सुना है यहाँ सलीम आए हुए हैं। सलीम आए हुए हैं, लेकिन आप किस मुंह से सलीम को प्यार करती हैं? हम उनसे प्यार करते हैं। अगर उसने तो आपको दीवार में चुनवा दिया था। अनार कली लिल्ला, और कोई देखो दुनिया भरी पड़ी है। सलीम तो तुम्हें बचाने नहीं आया, अरे हम चलो मत करके देखो, फिर देखो हम तुम्हें कैसे बचाते हैं। इनसे मोहब्बत करो, फिर देखो तुम्हें कैसे बच्चियों की तरह रुखसत करते हैं। मगर हम उनसे मिलने के लिए दीवार कूद कर आए हैं। ये दीवार कूदने का सिलसिला कब से चल रहा है? पहले से। इसका मतलब है कि वो वाक्य ठीक है। कौन सा वाक्य? जब आपको दीवार में चुना जा रहा था तो सुना है कि दीवार सिर्फ सामने से उठाई गई, पीछे से आप ठेकेदार के साथ चली गई थी। हा? नहीं नहीं, ये हम पे इल्जाम है। आप पे इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। चाचा आप समझाए ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? अबे अनारकली का चाचा तू? अबे सारे रिश्ते मेरे ही साथ हैं। अनारकली जी? ये अनारकली नहीं, इसे बार बार अनारकली मत कहो। अनारकली है ये? नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं है। अनारकली है ये, साबित करना पड़ेगा। गाड़ी वो गाड़ी, वो जो सेल्फ स्टार्ट, मिठाई वो जो मीठी हो, फूल वो जो खुशबू दे, अनारकली वो जो रक्स करके साबित करे कि वो अनारकली है। अनारकली रक्स करके भाइयों पर साबित करो। ये खुश हुए माह भरी तुम्हें ये पाजेब तोहफे में देते। हमारे कपड़े कोई ले। आंखें बंद करो, शाही खानदान नंगा हो गया है। अनारकली, अनारकली तुम, अनारकली तुम आ गई। हम हैं शहजादा सलीम। झूठ मत बोलो, तुम सलीम हमाम वाला है। नहीं अनारकली हमें हमारे कपड़े। अहमदाबाद का बादशाह तकिया। तकिया नहीं, सर के नीचे हाथ रख लो। हमारे कपड़े, यहां मैं हूं। आए नथिया के लिए। मैं हूं सलीम। ये सलीम नहीं है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं है शहजादा सलीम। मैं हूं सलीम, अकबर बादशाह का बेटा। झूठ बोलते हो। अकबर बादशाह का बेटा मैं हूं। एक तो हमारे अब्बा का भी पता नहीं कहां का मुंह मारता रहा। अच्छा बाप की खबर रखता है, कभी माँ की खबर ली है? हमारे कपड़े। आप प्लीज अंदर चतीफ ले जाइए। मैं इसका जोड़ा जुआ में जीता हूं अंदर।
अंदर जुआ भी हो रहा है, ये रूए यहाँ पे आके क्या कर रही है? ओ खुदा, ये झूठ रहे, हम ना रहे थे कपड़े। और ये अजीब गंदा आदमी बाथरूम में क्या लिख के आया? ये क्या हम बाथरूम में लिखा है इसने, यहाँ हॉर्न बजाना मना है। हो सकता है आगे स्कूल हो। और बाथरूम में बाखुदा क्या क्या बातें लिखी हुई, कोई शरीफ आदमी बैठ भी नहीं सकता। क्या लिखा है? लिखा है ये सुकून का, या अमीर और गरीब सब मिलके बैठ सकते हैं। ये सारी लिखाई दो दो फीट ऊंची है बस। अच्छा मेरी तरफ इशारा कर रहा है जैसे मैंने लेट के लिखा हूं वहां पे। बाखुदा कैसी बातें हो रही है। अच्छा अच्छा पीस भेजो भाई। अनारकली, हम आपसे माजरा चाहते हैं कि आपको ये मंदिर देखने को मिला। नहीं कोई बात नहीं, आप आइए नहीं तो फिर कुछ ना कुछ बात तो होगी। नहीं चलिए चाचा जान, आप अंदर चलिए, मैं इज्जत कर रहा हूँ आपकी। ये तो छोड़ने नहीं गया ये। मुतमईन है मजनू, मुतमईन हो गया, बहन घर वापस आ गई मुतमईन। खैर अरे पैसे लगे तो तू अंदर काहे को आता है? भाई अकेले अकेले डांस देखते हो, मेरे को बुलाते ही नहीं है। तो तू वहाँ देख, तू अंधा है, देख वहाँ पे। जिंदा डांस देखने को मजा आता है। जिंदा जिंदा डांस देखे तो जिंदा के अंदर जिंदगी भी हो तो जिंदा देखे। अबरार भाई आप जाओ। अच्छा संतु भाई, अबे हो सही नहीं तो सरकार अबे तू यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ कोई जलसा एहतजाज होगा। ये मजनू को मेरे पीछे कितने छोड़ा भाई। हुआ क्या? वो अंदर नहा रहा है और मेरे हाथ में इतना मोटा काला साबुन दे दिया, कह रहा है मेरी कमर मल। तो फिर मल लो। इतनी देर से कमर मल रहा हूँ, साबुन ही नहीं घुल रहा। क्यों? अब जो गौर से देखा वो साबुन नहीं था, इतना मोटा काला पत्थर था। आप चलिए कुछ भी करिए, चलिए समझाओ। देखो वो कैसे खड़े हैं, जैसे इलाके के एसएचओ यही हैं। नहीं तो यार हाथ हटाना पीछे से। आ रहा है, खदाल चलने की आवाज आ रही है। घर चंपू, घर चंपू। अबे कौन सी खुदाल है, घर चंपू बोल रही है? खुदाल चलने की आवाज आ रहा है। फरहान, इश्क मेरा दीवाना है, दीवाना मस्ताना, इश्क मेरा दीवाना है, आइए। वो पुराने जमाने का आदमी, उसको क्या पता, उसको कोई ये बंदूक है। हैंडकप हैंडकप वो मेरे पास नहीं है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं फरहाद मियां। खुशामदीद, नाइस टू मीट यू, ही इज द प्रोफेसर जिसने आपको बुलाया। फरहाद साहब जान है फरहाद मियां। दूध की नहर तुमने निकाली थी? जी जी बिल्कुल। नाए पेट्रोल की निकाल देते, मुल्क और कौम के काम आती चीजें। कोई हम आज भीख ना मांग रहे होते दुनिया में, कर्जे ना माफ करवा रहे होते अगर तू पेट्रोल निकाल लेता। फरहाद साहब आप आ गए। आप आ गए फरहाद भाई। आ गया नाबीना, आ गया। नहीं नहीं यकीन नहीं आता, वो जोड़े आइए। आ गए, हमारी खुशकिस्मती है। आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऐसी वैसी, मुझे तो यहाँ आके पता चला कि रिक्शे में पीछे बैठ के आते हैं और मुझे आगे बैठा के ले। अबे कौन से रिक्शे में आ गया तू? और घड़ी घड़ी मुझसे पूछ रहे गियर कहाँ होता है। तो ड्राइवर भी पहली दफा बैठा था रिक्शा में। चलो भाई आ गए जी, कोई मसला तो नहीं? मसला नहीं, हमारे भी रिक्शे थे, हमारे वहां होते थे, लेकिन यहाँ के रिक्शे जुदा है। इनमें टेप लगे हुए, म्यूजिक बज रहा है, लोग तरह तरह के गाने सुन रहे हैं, लोग अजीब अजीब गाने गुड़ा और गुड़ी गा रहे थे। अच्छा रिक्शा में? हाँ। क्या बूढ़ा कह रहा? आज कहाँ बोल दे तू? अच्छा बुढ़िया ने कहा। हाँ क्या मैं बोलूं? ये बुढ़िया है। चलो ना।
बुढ़िया को जानता है क्या? हाँ भाई बता। बूढ़े ने कहा आ खाएगी तो गोला गंडा। बुढ़िया ने कहा आ क्या करूंगी खा के गोला गंडा। बूढ़े ने कहा करना क्या है, नहाएंगे धोएंगे उजू करेंगे दो रखा नमाज पढ़ेंगे सो जाएंगे और क्या। जी आपके सामने हुई बात भाई, तो और क्या मैं घर का किस्सा सुना रहा हूँ। बस बहुत सी बात आ गए आप आगे फराद भाई। अच्छा हमारे फराद आप हैं। हाँ वेरी नाइस यार। तो आपने दूध की नहर क्यों निकाली थी, क्या हुआ क्या था? अकेला आदमी शीरी से मोहब्बत करता था मैं। अकेला? अकेला। तो और भी लोग मिला लेता। अकेले ही करते हैं ये काम, कभी किसी ने जुलूस के साथ किया ये काम? समझे नहीं? समझे नहीं, मैं जब बार अगरबत्ती वाला हूँ समझा नहीं मैं। कौन है ये आदमी? ये मेरे असिस्टेंट है, तुम बताओ भाई। अकेले मुझे कहा कि शीरी ने अरे फराद भी है पहाड़ में से दूध की नहर निकाल दो। मैंने कहा कोई मसला थोड़ी है, मैं चला गया पहाड़ पे खुदाई शुरू कर दी। आपको तो पता दूध कितनी मुश्किल से निकलता है। मुझे तो पता है, सही बात। मुझे क्यों पता पहले ये बता। मेरे पर अजीब किस्म के इल्जाम लगा रहे हो। शीर ने मुझे कहा भाई पहाड़ से दूध निकालना है। अके हाँ कह दिया उसने एकदम, कह दिया चला बता दे। खुदाई शुरू कर दी मैंने, रात का टाइम अंधेरा। आप दोपहर में चला जाता। अंधेरे में खुदाई कर रही हूं मैं। आपको तो पता दूध कितनी मुश्किल से निकलता है। इससे क्यों पूछ रहा है, इसका भैंसों का बाड़ा है क्या? तूने मुझे कहीं, मेरा मतलब है कोई गाय भैंसों के साथ फिरते हुए देखा है? शीरी ने मुझे कहा भाई पहाड़ खोदो, खुदाई करा जा रहा हूं। मुझसे खुदाई नहीं हो रही, चार आदमी लेके गया, खुदाई करो पत्थर निकल रहे। मैं आपको तो बताइए दूध कितनी मुश्किल से निकलता है। यार बात सुन, ये तुझसे क्यों पूछ रहा है भाई? ये पता नहीं इसके घर का कोई मसला लग रहा है। अरे जी अरे ना, कोई चीज टूटी ना यहाँ, सब किराए का सामान है यहाँ। बता रहे खुदाल को लग गई ना, तो जानता ना उसको फिर तू। मैं सोफा तो किराए का है। आपकी पेमेंट कर देगी, पेमेंट कर देगी आप। अरे प्लम्बर आ गया है? कौन है, क्या बात है भाई? अरे नहीं अच्छा भाई आ गया, इससे मुझे बाथरूम के नलके सही कराने। कौन है यहाँ पे, कौन है? अरे ये यार ये फराज साहब है, ये मजनू साहब है। ये मजनू नहीं है, ये इसे जानता हूँ मैं। कौन है? ये डक्के में बोरियां उठाता है। अबे भाई मजनू है, आपके लिए एक शेर है, कर दो। कह दो भाई, कह दो। फूल सूख जाए गमला ला गमला, फूल सूख जाए तो खिलता बड़ी मुश्किल से है। आपको तो पता है दूध निकलता बड़ी मुश्किल से। माशाल्लाह क्या जवाब दिया, शेर अर्ज किया है। देखो मजनू ये अदबी आदमी है, शेर सुनाएगा मजनू। क्या शेर है, क्या शेर है, खत्म है। अबे खत्म भी हो गया, मुशायरे को समझता है वो। यार अरे मेहमान और कोई चाय नहीं बनाएगा क्यों? क्यों आपको तो पता ही, तू कितनी मुश्किल से निकलता है। ये कोई क्या बात यही है जितने अनारकली की दीवार में चटवा ठेकेदार। अरे यार ये तो फरार है, उदार लेके आया पहाड़ पे। कौन है यार भी, कौन है जो अपनी माँ की फराक पहन के घूम रहा है? माँ की फराक मेरा, तू जो बहन की सलवार पहन के फिर रहा है। अबे घर वालों कपड़े ये पहन के घूम रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे होंगे यार? इनका इंतजार कर रहा हूँ। तू फराद है, सर पे पट्टी बांध दिए, तेरा सवा महीना पूरा नहीं हुआ। दफा दफा यार, आदमी आया कौन और मुझे बताओ दूध निकालने की तरकीब मुझे क्यों बता? आपको तो बताइए। मेरे ख्याल में ये कमबख्त नागौरी की औलाद। भाई साहब ये दूध का क्या चक्कर है? अपना क्या नाम है, अपना अखरोट खाने वाली गुलेरी। ये दूध की दुकान है जो दूध पूछने आए थे। कैसे लोग यार, ना जाए। अबे यार ये क्या हुआ मेरे घर।
फरहाद आ चुका है, अब शीरी आ रही है, शीरी आ रही है। क्या सब क्लासिकल आशिक आ गए हैं? तमाम क्लासिकल आशिक आ गए हैं। ईरान से फरहाद आमदन? उसकी आमदनी शुरू हो गई, आते गटर खोल लिया। क्यों? गटर खोल रहा है। सुनो, बोल कैसे रही है? देख तो जरा, ये ऐसे बोल रही है जैसे कोई पुराना रेडियो छत पे लेके खड़े हो जाओ ना, स्टेशन नहीं पकड़ता। यार तू तो रेडियो का ही मिस्त्री है भाई, मेरे से कभी ट्यूनिंग करवाओ, ये स्टेशन पकड़ोगे फिर। ये दो बैंड का रेडियो ट्यून कर सकता है? ये तो कमेंट्री सुनने वाला पॉकेट से आई। और भाई श्री, आपको आने में कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलो हो जाएगा। माशाल्लाह आप आ गई है श्री, माशाल्लाह आप आ गई है। तू अपनी आंखें दिखा ले, सुनो आप श्री आप आ गई, आप पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है। अच्छा, मैं यहाँ मशहूर हूँ कैसे? आपके नाम की यह बड़ी दुकान है, श्री महल, श्री जाम, श्री नमत कदा, श्री श्री मिठाई, ये श्री रबड़ी, आपके नाम की बहुत चीजें हैं। देखो श्री पंचर वाले नाइ। ओ, इसका मतलब है कि हम यहाँ भी बहुत मशहूर हैं। आपने फरहाद को इतनी दूर भेज दिया दूध निकालने पहाड़ पर, आप मिल्क पैक मंगवा ले। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने मेरा चाय पीने का बहुत जी जा रहा था। मैंने कहा फरहाद नामुराद मुझे चाय पीनी है, तो फरहाद नामुराद इतनी दूर चला गया दूध की नहर निकालने, मेरा क्या कसूर है? तो तू कहवा पी लेती। मगर कोई बात नहीं, आपने अपनी मोहब्बत को अमर करने के लिए ऐसी शर्त लगाई, फरहाद आ गया है, आप अंदर तशरीफ ले जाएं, आपकी कुछ दिनों के बाद उनसे शादी करवा दी जाए। आइए। आपने मुझे फरहाद के लिए बुलाया है ना? हाँ, आप चलिए अंदर, हम आपकी फरहाद की शादी करवाएंगे। हाँ, आप फरहाद से मेरी शादी कराएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया बाजार। अबे सारे ये नाम मेरे ही मुंह पे फिटाते हैं क्या? आपका घरेलू मुंह है। अच्छा, मुझे एक बात बतलाएं, जैसे मैं फरहाद से मोहब्बत करती थी, उससे बहुत प्यार करती थी, क्या आजकल की लड़कियां मेरी तरह मोहब्बत करती हैं? आजकल के लड़के आपकी तरह मोहब्बत करते हैं यकीन नहीं आता, तो एक चक्कर लगा के आई है। आपका शक दूर होया। और ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। आई बाबा मेरी अनारकली है। ये अनारकली नहीं है, मैं सबूत नहीं है, ये अनारकली मैं सबूत दे सकता हूँ, यही मेरी अनारकली है। सबूत दे, दे सबूत। ये बताओ तुम्हारे माथे पे तिल है? नहीं है। लो, अनारकली के भी नहीं था। ये बताओ तुम्हारे सीधे हाथ की छह उंगलियां हैं? नहीं है। अनारकली के भी नहीं थी, यही है। अबे हमें क्या पता उसका क्या क्या नहीं था, तू तो हर चीज पक्की कर लेगा। ये बताओ तुम्हारा पांव टेढ़ा है? नहीं है। अनारकली के भी नहीं था, यही है मेरी अनारकली। सबूत दिया है। मेरी भी कोई चीज गुम हुई है, मैं भी सबूत दूंगा। क्या तुम्हारे दोनों कानों में सुराख है? है। तुम्हारे नाक में दो नथरे हैं? है। जबान के कोने में कोई छोटा सा कौवा बैठा है? हाँ है। उसके भी था। भाई किसके? किसके? घर जाके पूछो। घर जाके किससे पूछूं? अब्बा तो तुम्हारे यहां गए हैं। अबे ओबे, हाँ, इसके अब्बा तेरे घर भी आते थे? इसके अब्बा हमारे घर बहुत दफा है, अभी आखिरी दफा तो इसको लेके आए थे, लाके फेंक दिया, कह रहे अपना बच्चा खुद पालो। खड़ा रहना आप, जरा बात पूरी कर। अनारकली अंदर है, अनारकली गुड़ की डली तेल में डाला, फुदक पड़ी। अनारकली याद आ गई इसको। ये कैसे कैसे आशिकों को बुलवा लिया है आप? चलिए अंदर, आप अंदर बैठे प्लीज। आइए। सर आ रहा।
आपने भेजा है? शुक्रिया। ये कोई या वेल्डिंग की दुकान खुली होगी? क्यों, ये सोने का मटका फट गया है, वेल्डिंग का टाका लगा है। मुझे पहले ही पता था एक ना एक दिन सोने का मटका जरूर फूटे। अबे ये मेरे घर में क्या तोड़ फोड़ हो रही है यार? आप और बुलाएं इनको, पुराने आशिकों। खामोश। क्या हुआ? तलवारों की झनकार, दूर कहीं जंग हो रही है। एंथनी आ रहा है, एंथनी आ रहा है। ये पटेल पाड़े से रिक्शा आपने बुलवाया? नहीं नहीं, ये रक्षा नहीं है, ये एंथनी है। एंथनी नहीं है, ये तो मुझे लड़ने वाला मुर्गा लग रहा है। ये तलवार भाग जाती है, छोड़ दे क्यों? एंथनी है ये, एंथनी एंथनी है ये, ये जल्दी में आया। नहीं, कैसे? नीचे कुछ नहीं पहन के आया। नहीं यार, देखो कितनी गंदी गंदी टांगे। ये हमारा जंगी ड्रेस है। जंगी नहीं, आपका भंगी ड्रेस। कलपत्रा वाला एंथनी है ये, कलपत्रा वाला। कलपत्रा से इसका क्या चक्कर था? कलपत्रा हमसे मोहब्बत करती थी। तेरे में ऐसी कौन सी चीज है? वो हमारी खूबसूरती से मोहब्बत करती थी। खूबसूरती देखो जरा, एंथनी देखो। ऐसे ना करो, एक एंथनी दो हो जाएंगे। खुदा का खौफ कर, खूबसूरती देखिए। इसके नथनों में से उसका दिमाग नजर आ रहा है। अबे नहीं नहीं, अंदर तो टाइटैनिक चल रही है भाई। ये कौन है? मिस्टर एंथनी। ये तेरी रेपुटेशन है और तुम खूबसूरत। अबे हाथों पे शेप क्यों नहीं करता तू? मैं इतनी देर से समझ रहा स्वेटर पहना हुआ है। ये वो प्यार करने वाले हैं, ये वो आशिक हैं जिनकी मोहब्बत अमर हो गई है। कुलपत्रा और ये बेपनाह प्यार करते थे। यस। क्या बात थी, क्या चक्कर क्या था? वो हमारी बहादुरी से प्यार करते थे। क्या बहादुरी? तू क्या सुबह नाश्ते में चीता खाता है? बहादुरी क्या है? नहीं एंथनी, yes. हम तुम्हारी शादी कुलपत्र से करवाएंगे। गुड, आप अंदर जाइए। ओके। अरे मेरा ऊंट यहाँ घूम रहा है। ये आदमी दो घंटे के लिए मिल सकता है? क्यों, वो तीसरे माले से बल्ब उतरवाना है। अबे ये हमारे घर में तो तीसरा माला है ही नहीं यार, ये किसी और माले के चक्कर में है। चेहरे पे कमीनापन आ रहा। सांपों की फुनकार की आवाज आ रही है। बाँ, बाँ। बाँ। ये सांपों की आवाज कब होती है यार? सांप, इसने कुत्ता खाया हुआ। इसने भी खाया हुआ कुत्ता? ये सब कुत्ता खा रहे हैं। सांपों के साथ आ रही है खलो पेट्रा। मैं दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारा नशा टूट रहा है, जल्दी से सांपों का इंतजाम करें। सांप नहीं है फिलहाल, ये नेवले से काम चला है। नेवला है, नेवला। अगर नेवले से कोई प्रॉब्लम है तो बिच्छू हाजिर। ओह, इतना हैंडसम आदमी कौन है? ये मुझसे शादी करें, ये फ्री मिलेगा। कलपेट्रा आप आ गई हैं। yes. आप अंदर तस्वीर रखिए, एंथनी अंदर ही हैं। oh. आपकी शादी हो जाएगी एंथनी से। थैंक यू। ओके। अरे ये क्या बात हुई? खुश हो रहा है
सारी बहनें घर आ गई। ऐसे कह रहे कहानी खत्म, पैसा आजम ये कैसा आदमी है मजदूर। सर सारे आशिक पहुंच गए, क्यों ना इनके खाने पीने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया जाए। हाँ, इंतजाम बहुत आला होना चाहिए। जुगनू आओ ना जानू, देखो सही आज हमारा कर रहा था, लेकिन यहाँ जब आया इस दुनिया में तो यहाँ का माहौल देख के मैं परेशान हो गया। क्यों? यहाँ हर शख्स इसी लड़की को छेड़ रहा है। अगर तुम्हें भी कोई छेड़े तो परेशान ना होना, उसके लिए एक शेर है, अगर कोई लड़का तुम्हें छेड़े तो उसको मत डांटो, अल्लाह ने तुम्हें हुसन दिया तुम इन सारों में बांटो। माशूका बन माना बन। शुक्रिया अनारकली, अच्छा हुआ अनारकली हम उस दौर में तो ना मिल सके, लेकिन इस दौर में जरूर मिल जाएंगे। इस दौर में मिलने से फायदा? अभी नहीं, 2-3 साल बाद 2-3 फायदे होंगे। क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता। मजनू क्या वाकई में तुम्हें अच्छी लग रही हो? बहुत अच्छा लगता है, नौरस का गिलास और लस्सी का गिलास। देखो ना इतने दिन हो गए मुझे कराची आए हुए, कहीं तुम घुमाने नहीं लगे। कराची में घूमना चाहती हो? हाँ? तो तुमको मैं नानक वाड़े ले जाऊंगा। नानक वाड़े में क्या चीज मिलती है? तू कभी निगार सिनेमा गई है? नहीं तो उसके बाद कमीज तेरी प्यारी भाई सोने फुलवा लेके जाएंगे लालू खेत, तुझे छेड़ेंगे सारे मवाली। ये मरे महीवाल इत्थे आके तो तू बेगैरत हो गया। महीवाल अल्लाह के नाम पे सोनी देता जा बाबा, बेज बोला चांदी का गोला, अल्लाह के नाम पे तू भी लला दे दे। उम्मीद तेरी काली सोनी के साथ बंगाली। बेवा ओए एंटोनी, यस बदली करता है। नुकसान में रहेगा, नुकसान में। हम कारोबारी लोग नफा नुकसान नहीं देखते हैं। ओहो माशाल्लाह भानू का यहाँ बेटा हुआ। पाजी। अरे बात सुने, आप यूं चल रहे आपकी रिक्शा कहाँ गई? शादी कराओ, चलो शादी कराओ। हाँ जुगनू बताओ। अजीजाने आशिकाने मोहतरम दोस्तों, आपकी शादी का ऐलान प्रोफेसर साहब अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। ये मुंह है दस्ते मुबारक नहीं है यार। चाचा एक प्लेट निहारी देना। निहारी खत्म हो गई, नली चलेगी। ये जानवरों की खुराक आप ले ले यार। अंडा दे रही चूहा तेल भी राम देख रहा है। क्यों 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 शादियां हो रही है? शादी कैसे होगी? मेरी वीडियो फिल्म कंप्लीट कैसे होगी? हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें, हो जाएगी। ये तो अच्छा हुआ प्रोफेसर को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या बकवास करता है तू? आपकी बहुत बुराइयां करता है ईमान से। नहीं? हाँ क्या बोलता है? कल आप जा रहे थे ना गाड़ी पे लड़की के साथ, कहता देख बे देख प्रोड्यूसर अपने मशूक के साथ जा रहा है। मैंने कहा पागल के बच्चे, मशूक होगी तेरी, उसकी तो बहन है। सही कह रहा हूँ? चमार पारूंगा सर। आप कितने
मानते प्यार ही मानते। रात मैंने ख्वाब में देखा आपकी शादी हो रही है। मेरी? हाँ, 300-400 बंदा बैठा ही मानते, चारों तरफ फूल ही फूल है। आपने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, कान में भी रू है, नाक में भी रू है। अब निकल रहे, बहुत हो गया। सर ये मजनू का जो बच्चा है ना, मेरे कैमरे में फोकस नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? अरे मजनू का बात बोली। हाँ, लड़कियों को कवर कर, लड़कियों को कवर कर। ठीक है, मैं सबकी अच्छी से फिल्म बनाता हूँ, आप फिक्र करें। पहले सीरी को। सीरी को? हाँ, सीरी पे आपकी नजर है। हाँ ठीक है सर। तू क्या करता है भाई, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ ना। हाँ। मेरे साथ नहीं हो भाई, नहीं तू इसके साथ शामिल हो जा। तूने क्या करना है, क्या करना चाहता है? आप फिल्म बना रहे? फिल्म बना रहा हूँ। तो मेरी भी फिल्म बना दो ना। अल्लाह, तेरी क्या फिल्म है? पिशावर में चलाऊंगा। बकवास ना करो, मेरी फिल्म बनाओ, बहुत अच्छी लगेगी आपको। अच्छा? हाँ। तुम तो सुना बड़े बेवफा लोग होते हो। अरे हम बेवफा हैं? हाँ। हम तो बहुत बावफा हैं, और बहुत ही हमारे से ज्यादा वफादार कौन होगा? कुत्ता। तो आपकी बात थोड़ी कर रहे हूँ मैं। चले, ये देखो व्यक्ति कर रहा है मेरे साथ। खराब करो, मेरी खोपड़ी घुमी हुई है, मैं चमाटे मारूंगा तुम लोग। चलो आओ। चलो ये बताओ कहाँ गए हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे उसको पुलिस ले गई है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा मेरा, मैं तो बेवा हो गई। आजा बेवा। यार ये वकील को जमानत के लिए भेजा है, अभी तक जमानत होके क्यों नहीं आई? आने वाले थोड़ी देर में, टेलीफोन किया था। अच्छा, तूने क्या? आ गया, आ गया, आ गया। क्या हुआ? अबे थाने गए तो क्या हंसते हुए आएंगे हम? अल्लाह थाने में किसी को ना फंसाए। इतना मारा है पुलिस वालों ने कि मैंने वो चोरियां कबूल की जो मैंने की ही नहीं है। ओह अच्छा, तेरे साथ क्या हुआ भाई? मैंने तो वो चोरियां बता दी जो मैंने अभी करनी। क्या बोला क्या तेरे को? मेरे को तो बोले तू मैं ना इराक के आदमी। बोले जो मिसाइल गिरते ना नीचे, वो गायब होते, वो तू करता गया। बोला हमने इतने बम मारे, इतना मिसाइल गिराया अमेरिका ने, इतना गिराया, वो गया कहाँ? मैंने कहा भाई अमेरिका को क्या, दुनिया के तमाम लोगों को बोलो कि सारा असला लेके इराक पे गिरा दे, लेकिन इराक की सरजमीन में जो बुजुर्ग है ना, उनके लिए बम गायब करना कोई बड़ी बात है। वाह 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 वाह, क्या बात की है। फिर तेरे को छोड़ा कैसे? अरे ऐसे कौन छोड़ता है, सबको कह दिया उनसे मोहब्बत है, छोड़ दिया। इसको अब समझ में आया। अच्छा वो मोहब्बत करने वाले आशिक कहाँ है? वो शॉपिंग करने गए। शॉपिंग? अबे शॉपिंग शॉपिंग कहाँ गए? शॉपिंग करने। मेरा गला मोड़ दिया, लगा रहा गला मोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ वो कहाँ गए सारे लड़के लड़के? शॉपिंग करने गए यार। अरे वो इतने बड़े बड़े आशिक हैं, बाजार में गए, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कुछ नहीं होएगा भाई, कुछ नहीं होएगा, हंगामा हो जाएगा यार। मैं अभी लेके आता हूँ। जाओ लोग लेके आओ। अगर तुम शादियाँ करा, मेरी वीडियो फिल्म बनाओ, मेरा पैसा लूँ क्या मैं यार? इसने भेजा कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं बाहर गए वो लोग यार। यार आपको भी बोला था उन्हें ना बुलाओ, आपका भी बहुत शौक है। नहीं पूछ गए थे प्रोफेसर साहब को, हमने बताया था हम जा रहे शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए जा रहे? तुम्हारा दिमाग खराब है, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो? कहाँ गए थे आप लोग? अरे बात सुनो, हम लोग गए थे बोरिंग बाजार, वहाँ पे कुछ लड़कों ने मुझे अपने विजिटिंग कार्ड दिए, टेलीफोन नंबर दिए, तो ये जेलस हो रहा है, ये नहीं चाहता कि मैं कराची शहर में मशहूर हो जाऊँ। मशहूर हो जाऊँ? इसे कार्ड दे रहे, मुझे पते दे रहे कि हमारे गटर खोल दे। खोल देता पैसे ही मिलते। और हाँ, मैंने इसको बोला कि मुझे वो फिल्म दिखाओ कुड़ियों को दाने दाना, वो भी मर्दूत में नहीं दिख रही है। अब आप बताइए कुड़ियों को दाने दाना वो फिल्म देखने वाली? मैंने कहा टाइटैनिक फिल्म देख लेते, उसमें तस्वीर बनाने वाला सीन हो। तस्वीर बनाने वाले सीन की वजह से जहाज डूबा, सही चल रहा था जहाज। अब वो क्या था फिल्म में, था क्या? अरे टाइटैनिक है सर, टाइटैनिक। तो फिल्म में क्या है यार? इतना पानी है, अल्लाह माफ करे, इतना पानी है, मैंने तो नेकर पहन के फिल्म देखी, इतना इतना पानी है फिल्म। अच्छा पता है क्या, मैंने इसको बोला फरहाद नामुराद मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करो, इस नामुराद ने मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी नहीं करवाई, वो तो खुदा का लॉक लॉक शुपर है, शहजादा सलीम वहाँ पे मौजूद था, उसने मुझे शॉपिंग करवाई है। क्या कहा? शहजादा सलीम ने तुम्हें शॉपिंग क्यों करवाई है? कतल क्यों नहीं किया, कुदाल क्यों नहीं मार दी उसे? अब जब
बेगैरत है। शहजादा सलीम ने मुझे इसलिए शॉपिंग करवाई है कि वो मुझे अच्छा लगने लगा है थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा थोड़ा से काफी जमा हो जाएगा। मुझे सलीम की नजर पहले से बुरी लग रही थी। उसकी नजर अच्छी नहीं है, उसकी नजर अच्छी नहीं है। तो मैंने बनाई उसकी नजरें। धुरंधर धुरंधर आप दोनों, आखिर मेरे में काय की कमी है? तेरे में कैल्शियम की कमी, मेरे हुसन का सिंगार। लौदत बेशुमार मालूम। आप चलिए अंदर। इन्हें बताइए मेरा नाम ही काफी है। तू डीप फ्रीजर में रहता है। धुरंधर शीरी चाचा जान वो शहजादा सलीम इधर आएगा ना, तो शीरी बजाते खुद शीरी को मैसेज उसे कन्वे करना। उसको बोलना कि शीरी बोलती है वो वाकई वफादार और शिक है। अच्छा, पूरे रास्ते में मुझे तंग करी, लस्सी पिलाओ। आपको तो पता दूध कितनी मुश्किल से निकलता है। ये मुझसे कान में क्या कह गई यार? ये तुम्हें पार्ट टाइम बता के गई। सच्चे लोग हैं, शादियां नहीं की होंगी, प्यार करते हैं, सच्चे लोग हैं। अरे हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग कहां से आ रहे हो? कहीं नहीं। वो तुम लोग इतने बड़े बड़े शख्सियत तो बाजार में फिर रहे हो। वो क्या करे, बस वो टाइम भी तो पास कर रहा था। किससे पूछ के गए तुम? क्या हुआ, मसला क्या? तुम बहुत गलत आदमी हो, तुम मुझसे बात नहीं करो। मैं कौन सा गलत? तुमने खुद ही कहा था क्लिफ्टन ले चलो और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी। कौन सी बात? मैंने कहा चलो ऊंट पे बैठते, तुमने मना कहा। वो तो मुझे डर लगता है, वो हिलता बहुत है। यही तो उसमें फायदा है। क्या? आशिकों के पसंद की दो ही तो सवारी है, एक ऊंट एक हुंडा 50 ब्रेक। ए छिछोरापन नहीं करो, ये बताओ कहाँ से आए हो? क्लिफ्टन गए थे, इसने मुझे पुलिस से पिटवाया। तो और क्या, पुलिस तुम्हें सेवन अप पिलाती? अब हमें क्या पता क्लिफ्टन पे पुलिस छापे मारती है। छापा मार लिया, हम दोनों बैठे हुए थे, अलग-अलग ले जाके सवालात करने लगे, मुझे ले गए, मुझसे पूछने लगे बताइए तेरी कौन है। मैंने कहा बीवी। इसको ले गए, कहती है बड़े भाईजान है। तो और क्या कहती? ये नहीं कह सकती थी कि मियां बीवी अस्पताल से चेकअप करा के आ रहे। क्या? मैं लड़कियों को ये बात करती? ये बात नहीं कह सकती। टाइटैनिक 6-6 दफा रिवाइंड करके देख सकती है। अबे टाइटैनिक तुम्हें मिल कहां से रही है फिल्म? हम तो जब लेने जाते हैं वो कहते हैं अभी हाजी साहब प्रिंट लेके गए। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जाओ जगह देखो मजनू को, वो लैला से कितना प्यार करता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते? कर तो सकता हूँ लैला, अगर मान जाए तो। क्या तुम बेवफा हो? तू भी मजनू के चक्कर में बेवफा हो गई दीवानी। मजनू ने ऐसे बगैर गुठले की खजूर क्या खिला दी, पागल हो गई इसके पीछे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बेवफा है। चीनी खाई है, चीनी आ गई मेरा। मैं क्या हो रहा है यार ये? लेकिन ये लोग सच्चे लोग हैं, ये क्या खाक सच्चे हैं ये झगड़ा? ये मजनू कहां मर गया? दोस्त, ये औरत बेवफा है। तो मुझे दोगली है, दोगली। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं सही करा लूंगा। ये क्या साइकिल है जो मैं तुम्हें दे दूं यार? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मेरे को बोलने लगी मोहतान दास कर चलते शॉपिंग करने के। आपको बोला? हाँ। ये इसने ले ला ना। हाँ। तो ले लोगो, आपने क्या बोला? मैंने इसको बोला तू जा शॉपिंग कर, मैं बाहर बैठा था। इसने बोला कि शॉपिंग करूंगी, आपने क्या बोला जा शॉपिंग कर? हाँ, मैं बाहर बैठा हूँ। बाहर कौन बैठा था? मैं बाहर बैठा था, पता है क्या हुआ? हर आदमी मेरे को पूछ रहा है, वो नहीं है बॉबी अंडे वाला जिसकी रंचोले में दुकान है, मेरे को बोला रहा मजनू कह रहा ही मैं जो तारुफ तो करो करो माल गिनी ने फ्री भी हुई है। मैं कहा भाई मैं आशिक हूँ, कोई खेपिया नहीं हुआ। ये बातें आपसे किसने करी? ये आदमी लगी है, ये दोगली, तू दोगली है। प्लीज औरत से बात करेगी तमीज सीखो। मैं चमाड़ मारूंगा इसके मुंह पे। बात मेरी, तुम चमाड़ मारोगे तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ने पड़वा आज ये अनारकली काम मिलेगी। क्यों भाई? आज से मैं उससे इश्क शुरू करता हूं। क्या गलत गलत कदम उठा रहे आप? नहीं सही कर, ये बाबा दोगली लानत है देखो। क्या कर रहे हैं लोग आप? मेरी मोहब्बत में चाहे जो करूं। अरे अपनी शक्ल देखिए, मेरे मुलाजिम जैसी तेरी शक्ल है। तेरी शक्ल देखिए, सीधा ट्रक ड्राइवर जैसा तेरा। और अपनी देखिए, जैसे किसी ने पान खा के फेंक दिया। तुम? हाँ, मैं खुद को हाथ देखो। दोस्त बॉस ये नहीं हो सकता। अबे बॉस बॉस क्या, मैं चरस बेचता हूँ? बॉस बॉस चरस नहीं बेचते तो ये क्या है? खबरदार दोगली कहाँ गई? अनारकली कहाँ मिलेगी? आज से उससे देख रहे हैं आप क्या हो रही है? लेकिन गुस्से में है, लेकिन सच्चे लोग हैं। सच्चे लोग हैं, प्यार करेंगे, शादी आई नहीं की होंगी। ये बदनामियां करवाएंगे हमारे पूरे प्रेस के अंदर। नहीं बदतमीज़ रहा होता, अड्डा से ली
रही है, तू सोनी नहीं है, तू ओनी पोनी है। मैं ओनी पोनी, तू टोनी टोनी, भाव भाव बाहर बैठ जाके। चल चल, इतना बड़ा मुंह है तेरा, अगर तेरे मुंह का खुला रहे ना तो मेरे जैसे तीन मुंह निकलेंगे। ओए लट्टू की कील, तुम औरतों से बदतमीजी करो तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ है। तो फिर किससे करें बदतमीजी? हमसे करो दलील आदमी, ताकि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। वो तुमसे प्यार करती है, कच्चे घड़े को उसने वैश्वा बनाया हुआ था एक जमाने में तुम्हारी वजह से, और तुम उसकी मोहब्बत का ये जवाब दे रहे हो? ये प्यार करती है उससे? और मेरा सारा गोश्त खा गए डायन। चल तेरा सत्यानाश, या गोश्त तूने खिलाया, बराबर वाली दुकान से लाके मुझे खिलाया करता था बनू। दलील आदमी नहीं तो तेरा मुंह देख कर तो मुझे वो वाला शेर याद आ जाता है। हाय रब्बा ए की जुल्म ढाया है, हाय रब्बा ए की जुल्म ढाया है, धड़ इंसान दा ते मुंह कुत्ते दा लाया है। क्या है, क्या लगाया है, क्या ढाया है? रब्बा ए की जुल्म ढाया है, धड़ इंसान दा, बता ना भाई ऊपर क्या लगाया? मुझे पसंद नहीं आया। पूरी मार्केट में मेरी नाक कटवा कर दी। आविन, आविन आपकी नाक कट गई? यस। ओए कटके भी कितनी बची है, तुम रोजाना कटवाया करो। ये हमको मैं शॉपिंग कराने लेके गया था, इसके पास कोई पैसा नहीं है। ओए ओए बगैर पैसे की जरूरत कंगड़े? जब मैं इसको ले गया था तो पैसे की क्या जरूरत थी? ओए क्या दिमाग में इसके कोई है काम? बहुत अच्छा हुआ माहीवाल वाला मिल गया, कितना अच्छा है माहीवाल। माहीवाल मिल गया, उसने कबाब क्या खिला दिया, उसी का दम भरने लगी तू। ए अभी से बात कर, तेरी बेटी के बराबर है वो। क्या देखो, तुम तो मेरे से बात मत करो। तुमसे अच्छी तो सोनी है, सोनी। सो मेरा पैसों का प्रॉब्लम है। यस, इनका डांस रखवा दो। क्या ख्याल है, बाहर मैं सोनी से मिलता हूँ। अंदर बैठिए आप। अंदर चक्कर क्या है? लेकिन मुझसे आप शर्त लगा लें कि आपस में शादी नहीं होगी। होगी शादी? नहीं होगी। होगी शादी? नहीं होगी। हो जाएगी शर्त? हो गई। हो गई। अगर मैं शर्त जीत गया तो आपकी सारी जायदाद मेरी। ठीक है, और अगर तुम शर्त हार गए तो मेरी तमाम होने वाली जायदाद आपकी। अब ये होने वाली जायदाद कौन सी होती है भाई? होने वाली बीवी नहीं होती, मंगेतर। अच्छा मंगेतरी जायदाद? मंगेतरी जायदाद आपकी। हो गई शर्त, आओ आ जाओ। शादी कर ले कलो पेत्रा, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। तुमसे शादी कर दी मेरी जूती। तुम्हारी जूती की शादी हो गई? नहीं, मेरा खुसा भी को आ रहा है। हाँ। इन दोनों की शादी होगी ना, फिर इतना बड़ा जूता निकलेगा, सब मुबारकबाद देंगे। आप मुझसे शादी क्यों नहीं करती? आप मुझसे शादी करेंगे बड़े फायदे होंगे, दोनों मिलके कमाएंगे, हम लोग दोनों मिलके कमाएंगे और गाएंगे। इतने बड़े हमारा तो कोई भी नहीं होगा, तुम्हारे बहुत सारे हो जाएंगे। क्या बकवास है, तुमसे शादी करूं? अरे मुझ पे तो बड़े बड़े जान देते हैं। वो और लोग होते होंगे जो तुम पे जान देते होंगे। अरे मैं तो जब भी जान दूंगा ना, अपने सोने पाकिस्तान पे दूंगा। अरे अगर ऐसी बात है तो कश्मीर जाओ। चला जाऊंगा कश्मीर, अभी मेरी टांग में तकलीफ है ना। हा? जब टांग ठीक हो जाएगी चला जाऊंगा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी कश्मीर की लड़ाई तो चल रही है अभी। हाँ चला जाऊंगा फिर। बात सुनो, क्या मुझसे मोहब्बत करोगी ना, शादी करोगी तो मुझे तुम्हें खुश करना पड़ेगा। खुश कर दो ना आज। शीरी शुक्र है तुम मिल गई। शहजादा सलीम, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था, शुक्र है तुम नजर तो आ गई। इसी बात पे एक शेर है,
कि नजर ही नजर में नजर ने नजर से कहा कि वो जब नजर आएगी नजर ना मिलाना नजर की कसम नजर की नजर लग जाएगी। वाह तुम तो बहुत अच्छी शायरी करते हो मर्दोत। ये हर बात में अपने अब्बा का नाम क्यों लेती हूँ? मैं अपने होने वाले सोसर को बहुत याद कर रही हूँ आजकल। मजाक नहीं करो शीरी, तुमने कल जो मुझे इतर की शीशी भेजी थी मिल गई थी। बहुत अच्छी थी, पानी की बाल्टी में उडेल के उससे नहाया हूँ। हाँ, इतने गंदे हो तो। हाँ तो बरसों की गंदे धुलते धुलते धुलेगी। अच्छा शहजादा खाले तो मुझको एक बार बतलाओ, ये अनार खाली ने तुम्हें कभी परफ्यूम का शीशी नहीं दिया? आया नारकली क्या परफ्यूम की शीशी देगी कंगली की बच्ची, वो तो खुद खुशबू नहीं लगाती, जब भी खुशबू लगाना होता था मौसम्बी का छिलका उतार के। ये लड़कियां कंगली हैं तारीफी, हम तो अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है। बहरहाल शादी कर लो बस। शादी कब? असर मगरिब के दरमियान। क्यों? समझा करो, हुकूमत ने ये सहूलत निकाली है। कैसी सहूलत? सब समझ रही हो कौन सी सहूलत? नहीं समझा? तो पहले से जमाने में गंद हो जाती ना, अब्बा के टाइम पे कितना रोए वीडियो बनने के चार में 2 बजे रुखसती रही घर पहुंचे। ये हुकूमत स्कीमें निकाल ली फायदे के लिए, इसे आजमाओ हुकूमत की स्कीमों को। हुकूमत कंगले लड़कों के लिए भी एक स्कीम निकालने वाली है। अच्छा? उन कंगले लड़कों के लिए जिनके पास शादी के लिए पैसा नहीं है, हुकूमत उन्हें कर्जा देगी, दुल्हन कर्जा। हाँ? कर्जा देगी जिस तरह गाड़ियों वाड़ियों के लिए कर्जा नहीं देती जायदाद के लिए। हाँ? कर्जा देगी जी, लो कर्जा, शादी करके दुल्हन लेके आओ। लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ, हुकूमत जिस तरह मकान प्लाट जायदाद और गाड़ियों के लिए कर्जा देती है, सही टाइम पे किस्तें वापस ना करो तो गाड़ी जब्त कर लेती है, तो क्या दुल्हन भी जब्त कर? तो बहुत गलत बात है, मैं हुकूमत से कुछ शीरी मशवरा करेगी, ये नहीं होना चाहिए। हाँ मना करो हुकूमत को, हमारे यहाँ के तो सियाने लड़के हैं, कर्जा लेके दुल्हन ले आएंगे, 1 महीने बाद किस्ते बांध पुरानी हो गई वापिस ले जाओ, अगले महीने नया नाम से नया कर्जा। हुकूमत तो नुकसान में रहेगी। बिल्कुल गलत है, गलत है। चलो गलत तो है, बहरहाल शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? शादी में तुमसे कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शोहरत है। कौन सी शोहरत है? मेरी ये शोहरत है कि तुम मेरे लिए शायरी कर सकते हो। शायरी? कैसी शायरी? वैसी शायरी जो नाना पाटेकर ने माधुरी के लिए की थी। ओ, नाना पाटेकर? तो कहाँ नाना पाटेकर, कहाँ नाना फटीनेकर। वो माधुरी तो खूबसूरत थी। तो आंखें नजर नहीं आ रहे? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी खूबसूरत शायरी करता हूँ। ठीक है करो। सुनो, वो नाना पाटेकर की तरह कैसे बताऊं मैं तुम्हें? कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो? मुल्ला जी की तौन हो, हाजी कंपाउंड हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम पुराने ढीठ हो, एक बहुत बड़ी फटीक हो। तुम औरंगी, तुम करंगी, तुम ही हो मेरी नागन चौरंगी। लियारी की तुम गंध हो, किमाड़ी का तुम बंध हो, मनौड़ा की तुम ठंड हो। तुम खारा दर, तुम मीठा दर, तुम ही मेरे लिए गोली मार हो, तुम ही मेरी धोती और शलवार हो। मेरा नानकवाड़ा तुम, मेरा पटेल पाड़ा तुम, मेरा भैंस पाड़ा तुम, मेरा चाकीवाड़ा तुम, 2 का पहाड़ा हो तुम, गुजरावाला का अखाड़ा हो तुम, और मेरे पजामे का नाड़ा हो तुम। तुम मूसा लैन में, तुम जट लैन में, तुम जैकब लैन में, तुम रणछोड़ लैन में, और तुम ही गलत लैन में। मेरी चरस तुम, मेरी कुप्पी तुम, मेरी सैफुल्ला के अड्डे की सुल्फी तुम। मेरी चरस तुम, मेरी कुप्पी तुम, मेरी सैफुल्ला के अड्डे की सुल्फी तुम। मेरी खद्दर हो तुम, मेरे लिए टाट हो, मेरे लिए हैदराबाद की भंबाट हो। तुम्ही जेवड़ा, तुम्ही नुक्तीदाने, तुम्ही हलवा सौन हो, तुम्ही गुटका, तुम्ही मेन पूरी, तुम्ही डबल पत्ती का पान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो? अल्लाह वाली पे रहते हो तुम, डिफेंस का कहते हो तुम, लंबी लंबी छोड़ते हो तुम, दोजख की आग में हाथ क्यों सेकते हो तुम? अरे हमेशा से हो खार तुम, हो सर्दियों का बुखार तुम, शिकारपुर का अचार तुम, पिशावर की नसवार तुम, सवाद का मेवा हो तुम, खानपुर का खोया हो तुम, मुल्तान का हलवा हो तुम, मटियारी का मावा हो तुम, कोयटा का कंबल हो, फैसलाबाद की बलबल हो तुम, दादू का जंगल हो तुम, और मेरी चारपाई का खटमल हो तुम। आइए का जहाज हो जो कभी नहीं मिलती वो परवाज हो, जो हमेशा शॉर्ट रहती है वो प्याज हो, और महंगाई के इस दौर में 125 रुपए की नियाज हो।
भावलपुर का दूध हो, लाड़काना का अमरूद हो, ठट्टा की रबड़ी हो, टिंडा आदम की ककड़ी हो और मेरे लिए पड़ी हुई लकड़ी हो। मेरा आगाज तुम, मेरा अंजाम तुम, मेरा पब्लिक इवनिंग स्पेशल, मेरा परचम, मेरा आवाम तुम। तुम ही जुर्रत, तुम ही उम्मत, तुम ही जिसारत, तुम ही नवाए वक्त। जंग हो, अमन हो, खबरें हो या डॉन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो। और आजकल के हिसाब से कहा, क्या कहा? कुछ तो कहो है। मैं रोकता बस तुमको हूं, मैं टोकता बस तुमको हूं, मैं काटता बस तुमको हूं, मैं भोगता बस तुमको हूं। तुम ही मेरा कल से, तुम ही मेरे आज हो, तुम ही मार्शल्ला, तुम ही जमहूरियत, तुम ही गवर्नर राज हो। मेरी टीटी तुम, मेरा मावदर तुम, मेरा रिपीटर तुम, मेरा रॉकेट लॉन्चर तुम ही मेरी कलाशनकोव हो, तुम ही मेरी सोच हो, मेरे पांव की मोच हो, 6 रुपए वाली कोच हो। वेस्पा में तुम, रक्षे में तुम, टैक्सी में तुम, मजदा में तुम, ट्रक में तुम, ट्रालर में तुम, मेरी हुंडा 50 तुम, मेरी 70 तुम, लाहौर का तांगा हो तुम, शक्कर की सुजुकी हो तुम, और क्या बताओ मेरी जान तुम मेरे लिए क्या हो। अरे तुम तो पूरा पाकिस्तान हो, लालू केत की जान हो, मेरी W11 की पहचान हो। लैला, लैला मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो तुम शीरी से भी करते थे। शीरी से? हाँ। मुझे तो यहाँ के पता चला शीरी से अच्छे तारिक रोड में खुशरे घूम रहे हैं। आप मुझसे शादी कर लें, पता है हमारे 15 बच्चे होंगे। 15 बच्चे? 14 हो तो तलाक ले लेना। अच्छा पहले ये बताओ तुम्हारे वालिद हयात है? मेरे वालिद हयात नहीं, ये बड़े वाह हयात है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है पीछे कुछ छोड़ के मरे। वो पीछे कच्चा धुआं छोड़ के मरे। किस किस्म के लड़के हो? मैं जी अनवर रटोल। यहाँ किस्म किस्म के बैठे, कोई तोता परी बैठा हुआ है और वो देखो गंजा जो है, लंगड़ा है, इसका सिर्फ मिल्क शेक ही बनता है। आप बताएं, आप मुझे तंग क्यों है आखिर? ये लड़का मेरे मच्छर की तरह पीछे पड़ गया। मच्छर का हमें? हाँ? हम लड़कों को? हाँ? सुनो, अगर हम मच्छर होते, अगर मैं मच्छर होता पूरा जवान होता, अगर मैं मच्छर होता पूरा जवान होता, रुखसार नाक और होंठ का मैं कदरदान होता, माजून हुसन जितनी मिलती चाटता होता, मौका जहां जहां भी मिलता काटता होता। मच्छरों का लड़कियों से शदीद इंतकाम होता, मच्छर वो कर रहे होते जो लड़कों का काम होता। काला न सही लाली सही तिल तो बना होता, कितना मजा आता एक मच्छर ने तेरे गाल पे काटा होता। अब तो मुझे सेट हो जाइए। मोहब्बत करने वालों के अनोखे खेल होते हैं, जिनकी मूछ नहीं होती वो आधे मेल होते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, इज्जत का मामला, मैं भी क्लीन शेव हूँ। मोहब्बत करने वालों के अनोखे खेल होते हैं, कई मूछ वाले भी इस काम में फेल होते हैं। ये मूछ डाली का काम नहीं है, यहाँ का तो गंजा छेले के बैठा हुआ है। होते क्यों? मैं ख्वाब देखता हूँ ना। ख्वाब? हाँ, आज मैंने एक बड़ा अच्छा खतरनाक ख्वाब देखा। मुझे देखा ना? नहीं नहीं, इतना अच्छा ख्वाब नहीं देखता मैं। मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ और जन्नत में गया हूँ। जन्नत में जाग के क्या देखता हूँ कि एक पुलिस वाला टहल रहा है। मैंने बोला, पुलिस वाले भाई आपका जन्नत में क्या काम? कहने, हमें मुखबर ने इतला दी है कि यहाँ जन्नत में असला है, हम यहाँ का मुआसरा करेंगे। मैंने बोला, पुलिस वाले भाई यहाँ तो सारे जन्नती और शरीफ लोग रहते हैं, आप यहाँ का मुआसरा क्यों करेंगे? वो कहने लगे, हम ऐसी जगह का मुआसरा करते हैं जहाँ पर सारे शरीफ लोग रहते हैं। अच्छा ये बता, तुम मुझे प्यार करती हो? एक शर्त पे। क्या? तुम झूठ बोलो। झूठ तो मैं बड़े बड़े बोल सकता हूँ। बड़े बड़े? हाँ। बोलो। क्या हम मुसलमान हैं? इससे बड़ा झूठ बोलो। इससे बड़ा झूठ? इंशाल्लाह हम कश्मीर लेकर रहेंगे। इससे बड़ा झूठ? इससे बड़ा झूठ, 4 पुलिस वाले अपनी तनख्वाह से हज पे जा रहे हैं। अच्छा ये बता, तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? इंडिया। इंडिया में किस जगह रहती हो? मद्रास। वाकई आज मद्रास वालों ने साबित ही कर दिया कि वो पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं।
वहाँ की आवाम हमें कितना प्यार करती है, जो लोग नहीं चाहते थे कि हमारा मैच हुआ हो उन्हीं के मुंह पे तमाचा पड़ा है। ओ भाई ठाकरे, मुसलमानों की बद्दुआ ना ले वरना तेरे हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। नहीं नहीं, ये तो कुछ गुंडों की शरारत थी। गुंडों की शरारत नहीं थी, देसती मियादाद की थी। और आज मियादाद जीतने के बाद प्लेयरों को लेकर काफों में आंसू थे। जब वो घूम रहा था प्लेयरों को ले, खुशी चाहता है। आधे मारे हुए तुम उससे शादी कब करोगे? शादी हो तुम्हारे शहजाद सलीम तुम्हारे भाई को तो समझाओ। उसे छोड़ो, वो तो है ही बेगैरत। वो बेगैरत है? हाँ। ये क्या? हम क्या काम है, हम तो होलसेल में, वो तो रिटेल में होगा। वैसे एक बात है, तुम मर्दों को हो क्या जाता औरत को देख के? औरत जैसी भी हो मर्द को अच्छी लगती है, औरत जैसी भी हो मर्द को मर्दों को अच्छी लगती है। अरे मर्द तो बेअकल है, उसको तो गधी भी परी लगती है। अच्छा तुम मुझे तोहफा कब दोगे? तोहफा मेरे पास तो नहीं है, कोई है जवान का बच्चा दिलाने वाला? तू कहां से दिलाएगा, तू खुद फितरे जकात पे तो पलता है यार। तो तुम्हारे लिए क्लोपेट्रा से छुप के ये शॉपिंग की। क्लोपेट्रा से छुपा के आपने मेरे लिए शॉपिंग की है? Yes. आप तो बड़े मीसड़े कमीने हो। अच्छा कभी सोनी तुम्हें मौका मिले ना तो तुम हमारे रूम में आओ। हैं जी? क्या जी? मेरा मकसद है कि हमारे मुल्क रूम में आओ। हाँ, शुक्र है आपने क्लियर कर दिया, मुझे तो घबरा पे आ गया थी। वैसे माशाल्लाह जी, वैसे पता क्या, मैंने अपना पासपोर्ट बना लिया हुआ है। हाँ? तो आप वीजा लगा दे तो मैं आ जाती हूँ। तो तुम्हें वेल्डिंग आती है ना? तुसी कितों फाटक गया जोड़ी वेल्डिंग करानी है। लेकिन वो माईवाल का क्या होगा? और माईवाल नु छड्डो तो खेतां दा केस है। अच्छा। वैसे माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने आपको क्या मुंह दिया है। हाँ? क्या नाक है आपकी, झुक झुक के थोड़ी की पप्पी लाई जा रही है। थूतनी साहब, आपसे बात करने के लिए तो मुझे सीढ़ी लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। थूतनी साहब, यस यस, एक शेर आया कर दूं? यही? हाँ जी, साढ़े गुजरात खेतों का रवाज है ना। भैंस कट के ले गई किला, भैंस कट के ले गई किला, वे तू इंसान है या कुत्ते दा पिल्ला?
आप शर्त आ चुके हैं, आज से आपकी तमाम जायदाद मेरी हुई। आप अपना पुराना वाला फटाफट सूटकेस लेकर और अपने दो बनियानों लेकर लेके यहाँ से निकल जाए। चले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। इस शर्त पे, जब तक मैं खुद इन जोड़ों से पूछ लूं कि आया कि ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, शादियां कहीं और करेंगे, अगर ये कह देंगे हाँ तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा। ठीक है, आप बुला के पूछ ले। आप बाहर आ जाओ। शहजादे सलीम जी, ये बताओ कि तुम किससे शादी करोगे? अपनी उसी अनारकली से, क्योंकि हम इस शख्स के बहकाए में आकर अपनी अपनी मोहब्बतें भूल चुके थे और दूसरों के चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन हमें एहसास हो गया है कि हमारी पुरानी मोहब्बत सही थी, हमारा पुराना प्यार सही था, इसलिए हम अपनी अपनी पुरानी मोहब्बतों से शादी करेंगे। ये देखो, अब सुनो शीरी, तुम किससे शादी करोगी? और हाँ से। वेरी गुड, तुम किससे शादी करोगी सोनी? मैं भी महिवाल टूटे पर जैसे ब्याह करूंगी। और मजनू, तुम किससे शादी करोगे? अंथोनी से। लैला मर गई है क्या? सच्चे लोग हैं, अपनी अपनी जोड़ियां खुद बनाएंगे। और इसमें मैं एक जश्न करूंगा, एक जश्न होगा, इस शादी के मौके पर जश्न होगा। होगा और बिल्कुल होगा, और इस खुशी के मौके पर हम अपना सामान दांव पे लगाएंगे। नाचो।